मैंने देखे हैं दौर सभी और आज भी सफर जारी है यूं तो आए गए इस मैदान में खिलाड़ी कई ये खेल चाहे जिसका हो और जीत की तैयारी हमारी है लेट मी टेल यू कि आज आपकी कोई भी कंडीशन हो वेक्टर आपको आता हो नहीं आता हो मुस्कुराइए है, आप हैं फिजिक्स में टेलार्स एंड वेक्टर क्या होती है भैया तुरंत आर्ग्यूमेंट आता है कि सर हमने तो टेंसर भी सुना है पेज भर दूंगा इतनी इतनी वेक्टर क्वांटिटीज होती है लेकिन एट द मोमेंट उनकी जरूरत नहीं है थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है मैंने देखे हैं दौर सभी और आज भी सफर जारी है यूं तो आए गए इस मैदान में खिलाड़ी कई ये खेल चाहे जिसका हो पर अब इसमें तुम हारी बारी है और जीत की तैयारी हमारी है तो आइए करते हैं शुरुआत नमस्कार एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत की सबसे एनर्जेटिक बैच में जिसका नाम है अर्जुना और आज का हमारा उद्देश्य है वैक्टर्स लेट मी टेल यू कि आज आपकी कोई भी कंडीशन हो वेक्टर आपको आता हो नहीं आता हो एक बार आपने पढ़ा हो यदि आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो जितनी भी समस्याएं वेक्टर से रिलेटेड है मेरी गारंटी है वो सारी खत्म हो जाएंगी तो चलिए करते हैं शुरुआत मुस्कुराइए आप हैं फिजिक्स वाला में चलिए आज के हमारे सेशन का उद्देश्य ये है जो जो लिखा है वो तो पढ़ाएंगे ही जो नहीं लिखा है वह भी पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड है इसके अंदर चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं चर्चा की स्केलर्स एंड वैक्टर क्या होती है भैया स्केलर क्वांटिटी और क्या होती है क्वांटिटी बात चल रही है फिजिकल क्वांटिटीज की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हैं सर क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको के हम मेजर कर सकते हैं ये कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज बड़ी अच्छी बात है तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं दो तरह से क्लासिफाई करते हैं स्केलर्स और वैक्टर्स तुरंत आर्ग्यूमेंट आता है कि सर हमने तो टेंसर भी सुना है मास्टर टेंसर भी बताओ बताएंगे उसकी सेपरेट चर्चा करेंगे अभी जो कह रहा हूं सुनते चलो ध्यान से सुनना फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया एज क्वांटिटीज बहुत बढ़िया और कौन सी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज मैं तीन चीजें लिख रहा हूं एक मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड सर क्या होता है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू क्वांटिटी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कितना अमाउंट है दूसरा होता है डायरेक्शन ओके okay. और एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लॉज ऑफ वैक्टर यानी वैक्टर एल्जेब्रा वेक्टर एडिशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अच्छा सर देखो जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं उन सबके पास मैग्नीट्यूड तो होता है क्वांटिटी तो होती है अमाउंट तो होता है तो यहां पे हमने लगा दिया टिक वेक्टर क्वांटिटीज के पास भी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इनके पास ना डायरेक्शन होती है और ना ही ये स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो करते हैं जबकि इनके पास डायरेक्शन भी होती है और ये लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन भी फॉलो करते हैं इसका मतलब क्या इसका मतलब ये कि यह आम जिंदगी यहां पे हमेशा यहां पे हमेशा टू प्लस थ्री अगर करोगे तो वो फाइव ही आएगा वन प्लस वन अगर करोगे तो वो टू ही आएगा लेकिन वेक्टर में अगर मैंने आपको कह दिया कि ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड टू है बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड थ्री है तो हमेशा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइव हो ऐसा जरूरी नहीं है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइव भी हो सकता है

स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल अगले पेज पे ले लेते हैं अगले पेज पे ले लेते हैं एक तरफ मैं लिख देता हूं सारे स्केलर और एक तरफ लिख देते हैं सारे वेक्टर्स बहुत बढ़िया अगर मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है आप क्या बोलते हो सर हमारा वजन तो जो है वो चालीस किलोग्राम है बहुत हल्के हो रहे हो भे खाओ थोड़ा चालीस किलोग्राम आपका वजन है क्या आपने ये बताया कि आपका जो वजन है चालीस किलोग्राम वो किस डायरेक्शन में है क्या वो ईस्ट में है क्या वो वेस्ट में है हमने तो सर पिछले हफ्ते बहुत खाना खा लिया हमारा वजन दो किलो से बढ़ गया किस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा कि नॉर्थ वेस्ट में बढ़ा हम डायरेक्शन की चर्चा नहीं करते मास में ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बहुत बढ़िया डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है सर स्केलर क्वांटिटी है टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है सर स्केलर क्वांटिटी है वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है सर स्केलर क्वांटिटी है एरिया कैसी क्वांटिटी है सर अभी तक तो हमने स्केलर ही पढ़ा है लेकिन आगे जाके तुम्हारा मास्टर तुमको बताएगा कि ये वेक्टर है उसके डायरेक्शन की भी चर्चा करते हैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए भी इसको हम काट देते हैं आप मुझे ये बताइए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है बहुत बढ़िया अब आप वेक्टर की चर्चा कीजिए सर जब हम स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे बात करते हैं मतलब हमने ये कहा हमने ये कहा कि रिंकिया के पापा भाग रहे थे राजू के पीछे भाग रहे होंगे किसी कारण से और आपने ये बताया कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भाग रहे थे ठीक है ये क्या बन गई ये सिर्फ स्पीड बन गई आपने बोला कि आप अपने स्कूल से निकले लेक्चर बंक करके हॉटडॉग की दुकान पे या समोसे की दुकान पे और आप भागे चालीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये एक जानकारी है ये स्पीड है स्पीड ये स्पीड है स्पीड और आपने ये कहा कि सर हम भागे हमारे स्कूल से टूवर्ड्स वेस्ट इतने इतने डिग्री पे आपने डायरेक्शन बता दी तो ये क्या बन गई ये बन गई स्पीड प्लस डायरेक्शन मतलब ये क्या बन गई ये वेलोसिटी बन गई ये बन गई वेलोसिटी ओ हो 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 एक गाड़ी जा रही है पचास की स्पीड पे रैंडम आर्गुमेंट एक गाड़ी जा रही है पचास की स्पीड पे टुवर्ड्स द वेस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ ईस्ट टुवर्ड्स साउथ वेस्ट ये क्या बन गई ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई सर थोड़ा थोड़ा चमक रहा है मजा आ रहा है सर आनंद आ रहा है ओहो हो 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 और बताइए जरा वैक्टर क्वांटिटीज एक होती है फोरस क्या होता है फोरस फोरस

लगा दिया फोर्स तो आपको बताना पड़ेगा कि कहां लगाया है आपने अरे… आपने आपने फोर्स 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 अरे लगाया लगाया न्यूटन न्यूटन का का मेरी बात आपने लगाया 10 का। और आपके दोस्त ने भी इस पे फोर्स लगाया न्यूटन का तो नेट फोर्स कितना तुरंत बोलो तुरंत बोलो आपने फोर्स लगाया दस आपके दोस्त ने भी लगाया दस नेट फोर्स कितना बीस तुमने बोला बीस गलत गलत फंस गए तुम लोग तुमने दस लगाया तुम्हारे दोस्त ने भी दस लगाया जरूरी नहीं है कि तुमने जहां लगाया तुम्हारे दोस्त ने भी वही लगाया ये तुम खड़े हो तुमने फोर्स लगाया आगे ये तुम्हारा मित्र खड़ा है उसने फोर्स लगाया पीछे और दोनों ने दस लगाया तो दस प्लस दस वैक्टर में जीरो हो गया मेरे भाई ओ प्यारे ये एफ वन ये एफ टू तो वेक्टर में एफ वन प्लस एफ टू दोनों दस दस होने के बाद भी रिजल्टेंट जीरो बना सकते हैं यही तो खासियत है वेक्टर की hey, चमक रहा है फील आ रही है और क्या होती है सर वेक्टर क्वांटिटीज कई सारी होती है कितनी बताऊं अरे शाम हो जाएगी बताते बताते चल एक और सुन ले वेलोसिटी बता दी मोमेंटम मोमेंटम ओके टॉर्क ओके और बताइए सर और बताइए ले और बता देता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट

चर्चा करते हैं रिज्यूम हमने क्या कहा था हमने ये कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती है मतलब जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो a प्लस बी पांच बनाएगा या माइनस वन बनाएगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा उनके बीच के एंगल पे मतलब यदि जैसे आपने ये फोर्स अभी लगाया था ये फोर्स अगर आप ये फोर्स अगर आप एक साथ लगा देते ये फोर्सेस यदि आप एक साथ लगा देते तो ये कितना बना देता तब ये कितना बना जीरो बनाया मतलब जीरो भी हो सकता है उस तरफ से लगा दो दोनों फोर्सेस तो माइनस बीस भी हो सकता है बीस भी हो सकता है चलिए सर बहुत बढ़िया लेकिन सर अभी तक आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया टेंसर क्वांटिटी का अभी तक आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कौन सा बेटा टेंसर क्वांटिटी का ठीक है दे देता हूं इंपॉर्टेंट बात है इसलिए ध्यान से सुनना वरना बाद में फिर यही चीज पूछोगे कमेंट सेक्शन में टेंसर क्वांटिटी के पास टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हाँ जी होता है मैग्नीट्यूड बिल्कुल होता है डायरेक्शन डायरेक्शन भी होती है लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन को लॉज ऑफ वेक्टर को यह फॉलो नहीं करता तो मैंने यहां पर दो जगहों पर तो टिको एक जगह पर क्रॉस दे दिया मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है इसके पास डायरेक्शन भी है लेकिन यह वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करेगा सर थोड़ा फील लाइए चलो फील लाता हूँ एग्जाम्पल है कई सारे एग्जाम्पल्स हैं टेंसर क्वान्टिटीज के सारे एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है करंट 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 के पास मैग्नीट्यूड होता है बिल्कुल होता है करंट के पास डायरेक्शन होती है बिल्कुल होती है बिल्कुल होती है लेकिन क्या करंट वेक्टर लॉस को भी करता है बिल्कुल नहीं करता ये देखो ये करंट है क्या कहते हो आप मान लो ये एक वायर है इसमें कितना करंट इसमें दस एम्पियर का करंट है डायरेक्शन आपके सामने है। अगर इसको मैं ईस्ट कह दूं तो ये जा रहा है करंट ईस्ट में मैग्नीट्यूड है हां जी सर है डायरेक्शन है बिल्कुल है मेरी जान लेकिन ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता सर क्या मतलब इस बात का मतलब कि अगर मैं दो वायर्स को मतलब अगर मैं दो वायर्स को 90 डिग्री पे ज्वाइन करूं देखो ये 10 न्यूटन का सॉरी दस न्यूटन नहीं, दस एम्पियर का करेंट आ रहा है यह भी दस एम्पियर का करेंट आ रहा है अब यहां से जो रिजल्टेंट निकलेगा और चाहे मैं दो वायर्स को ऐसे ले लू ऐसे ऐसे ले लू क्या हो रहा है सर ये देखते चलो क्या हो रहा है चमकेगा अभी ये दस एम्पियर का करंट आया ये दस एम्पियर का करंट आया दोनों केसेस में एंगल अलग है हाँ जी सर है यहां पे एंगल कितना है यहां पे एंगल नब्बे है यहां पे एंगल कुछ तीस ले लो साठ ले लो जो अच्छा लगे ले लो ठीक है एंगल आपने अलग अलग ले लिए फोर्स होता अगर तो आंसर में अभी बारह बज जाती अगर फोर्स में आप अलग अलग एंगल पर लगाते तो रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती फोर्स अलग-अलग एंगल रिजल्टेंट चेंज होता जाता, लेकिन आपने एक ऐसी क्वांटिटी की चर्चा की जो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं कर रही तो चाहे इस सिचुएशन की बात करो चाहे इसकी बात करो जो रिजल्टेंट है वो बीस एम्पियर ही आएगा अरे ये पॉइंट चमका के नहीं चमका टेंसर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है जिसके पास डायरेक्शन भी है लेकिन ये वेक्टर लॉस को कतई भी फॉलो नहीं कर रही है तो आपने एग्जांपल दे दिया इसका इलेक्ट्रिक करंट वाह क्या ये बात बिल्कुल सही है Important है इंपॉर्टेंट इसको अच्छे से लिख लेना इंपॉर्टेंट चर्चा है सर और बताइए जरा टेंसर क्वांटिटी देखो स्ट्रेस भी टेंसर क्वांटिटी होती है प्रेशर भी टेंसर क्वांटिटी होती है कैसे क्योंकि हम कहते हैं कि फोर्स एक्टिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस ठीक है नॉर्मल टू द सरफेस कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है मतलब अगर आपने फोर्स तिरछा भी लगाया देखो इस इस चर्चा में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं बस जितना बोल रहा हूं उतना सुनना वरना इसमें तुमको ना आगे के डाउट आ जाएंगे विच इज नॉट रिलेटेड टू वैक्टर राइट नॉ बस मैं जो समझाना चाह रहा हूं टू द पॉइंट उस पर स्टिक करना यह आपने फोर्स लगाया एफ किसी एंगल पे मैं कह रहा हूं कि जो स्ट्रेस है या जो प्रेशर है वो नॉर्मल फोर्स लेना है आपको तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है इसमें आपको फोर्स का इफेक्ट लेना है इस डायरेक्शन में अगर ये थीटा है तो इन शॉर्ट हम लेंगे F थीटा ठीक है फोर्स फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया लेकिन ये भी वेक्टर लॉस को ओबे नहीं करेगा ये क्वांटिटी इसलिए ये क्या है ये टेंसर है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया चलिए बहुत बढ़िया आइए जरा जो चर्चा हमने की है इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं दो सवालों के जरिए बहुत ही बच्चों वाला सवाल बचपन से देखते आ रहे हो इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सर वेलोसिटी वेक्टर है टॉर्क वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है स्पीड वेक्टर नहीं है पता है हमको बिल्कुल पता है लेकिन यह सवाल अच्छा है यह सवाल अच्छा है मजेदार सवाल है पॉज करो और आंसर इसका चैट में लिख के बताओ पॉज करो और आंसर इसका चैट में लिख के बताओ अगर तुमने सही बताया तो दिल बना के आऊंगा वहां पर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है किसके लिए स्केलर क्वांटिटी के लिए पहला पॉइंट कह रहा है स्केलर स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी वन इन अ प्रोसेस होती है है क्या मानना है आपका आपको क्या लगता है होती है क्या कंजर्व मुझे यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने पहली बार इसको कुछ सालों पहले पढ़ा था ठीक है लगभग आठ दस साल पहले तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और हर बार मैं क्लास में ये सवाल करवाता सर इसका मतलब बताओ आधे लोगों को तो उसका मतलब ही नहीं चमकता है. मतलब कि एक प्रोसेस में जो स्केलर क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल मास फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी तो ये कंजर्व होनी चाहिए मतलब शुरुआत में और जितनी बाद में है वो टोटल सेम होना चाहिए क्या ये जरूरी है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एग्जाम्पल बताओ सर एग्जाम्पल बताओ बता देता हूं जरूरी नहीं है ये मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि कंजर्व हो एग्जाम्पल देखो अगर आपने एक इन इलास्टिक कोलिजन की बात की

क्योंकि इसकी एनर्जी लॉस होती है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपने क्या कह दिया आपने यह कह दिया कि भाई साहब कतई भी जरूरी नहीं है कि एनर्जी कंजर्व हो मतलब स्केलर क्वांटिटी कंजर्व हो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस सिचुएशन लॉस्ट मतलब नॉट कंजर्व आइंस्टीन की फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस है क्या कहता है वो इक्वल्स टू डेल्टा लेवल बात हो रही है लेकिन सुन लो सुन लो ध्यान से इस प्रक्रिया में मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ है मतलब मास कंजर्व नहीं है तो जरूरी नहीं है कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है स्केलर क्वांटिटी इज द वन दिएट दिए दिएट दैट दैट दिये, दिए

कैन बी नेगेटिव मतलब ये जो आप पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा करते हो ना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्केल पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स अपॉन दॉजिटिव नेगेटिव पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं पूरी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन दी डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन द स्केल तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा

एक पॉइंट से ऑब्जर्व करो या दूसरे चेंज नहीं, नहीं होती बोलो रफ्तार में ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है या नहीं बोलो 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 ये स्टेटमेंट सही है क्या सर इतना तो हम सोच ही नहीं पाते हैं ये तो हमारी क्षमता के बाहर लग रहा है अरे बिल्कुल बाहर नहीं है एक मिनट के लिए सोच एक गुड़ पानी पीता हूं फिर समझाऊंगा बॉटल hmm. उठाया था एक्सपेरिमेंट के लिए उठाया तो सोचा पानी पी लें अब देखो इस <coughs> बॉटल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर बात करेगा तो क्या ये व्यक्ति और ये बॉटल सेम सरफेस पे हैं तो ये व्यक्ति बोलेगा कि यार इसके पास कोई हाइट तो है नहीं है जहां मैं खड़ा हूं वहां ये भी खड़ी है इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जीरो है पोटेंशियल एनर्जी अब जीरो पोटेंशियल एनर्जी बाटली को ले जा ऊपर ऊपर ले जा रे बाय ऐसा कैसा डॉक्टर बनी करे तू इसके ऊपर ले, ले जा ऐसा ले जा के देख इसको ऐसा देख ऐसा नीचे से दे, ऊपर देख इसको बाटली को कितनी हाइट है इसकी सर h हाइट पे चलेगा अच्छा पोटेंशियल एनर्जी आ गई अरे रे रे रे, रे. यहां तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी यहां आ गई अच्छा अब मैं एक व्यक्ति को यहां ले जाके खड़ा कर दू दस मीटर पे और इसको दस मीटर पे ले जाऊं वो आदमी क्या बोलेगा कह रहे इसके पास तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है कैसी बाटली बनेगी रही तू समझ रहे हो चमक रहा है क्या बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है फिर भी पॉइंट टू पॉइंट वो वेरी कर रही है सर ये बहुत बेहतरीन सवाल लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सवाल एक सवाल जीवन के दर्शन दे देता है एक सवाल अगर अच्छे से कर लिया जाए एक अच्छा सवाल बहुत कुछ सिखाता है स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ये स्टेटमेंट भी गलत है क्यों क्योंकि हमारे मास्टर ने हमको बताया भी भी। क्या बताया बटा डी को जानते नहीं, नहीं जानते हो कि नहीं नहीं चलो पता चल जाएगा सन्टू बैच वाले बच्चे जानते हैं स्केलर क्वांटिटी इज द वन विच वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल दोनों ही पोटेंशियल पोटेंशियल इनके बारे मैं में मैं लिख रहा हूं कि ये क्या है ये पॉइंट फंक्शन है मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करते हैं आप कहां से देख रहे हो उस पे डिपेंड करते हैं बहुत बेहतरीन कंटेंट है ये ध्यान से सुनते समझते लिखते चलना ठीक है चलिए बहुत बढ़िया स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यूज फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस ये एक और बहुत मजेदार पॉइंट ठीक है इसको थोड़ा डिकोड करते हैं मतलब ये है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आप ले लो टेम्परेचर ले लो स्पीड ले लो आप डिस्टेंस ले लो मास ले लो डेंसिटी ले लो ठीक है अगर ये हमारा अगर ये हमारी एक्सिस सिस्टम है ठीक है मैंने जितनी भी क्वांटिटीज कही आप इनमें से किसी भी एक्सेस से किसी भी एंगल पे से आप देखो मतलब के आप किसी भी ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस से देखो जो क्वांटिटीज़ मैंने कही उनमें से कोई भी चेंज नहीं होगी मेरा मास अगर 50 केजी है या 70 केजी है या 80 केजी है जो भी है सर बता क्यों नहीं रहे हो 70 केजी है ठीक है तो आप चाहे राइट से मेरा मास को ऑब्जर्व करो लेफ्ट से करो ऊपर से करो नीचे से करो फर्क नहीं पड़ेगा मैं यदि यहां से उठ के यहां तक गया हूं तो मेरा ये जो डिस्टेंस है आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी एक्सिस से ऑब्जर्व करो ये अगर ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर ही है ये समझ रहे हो सेम विद डेंसिटी सेम विद टेम्परेचर सेम विद एनी स्केलर क्वांटिटी तो ये है सही जवाब यह है सही जवाब दिस इज ट्रू इस पर मैं लगा रहा हूं एक बड़ा सा टिक ठीक है उम्मीद करता हूं कि यह पॉइंट बिल्कुल सौ प्रतिशत क्लियर है क्लियर है ना चलो बहुत शानदार आई ये बातें बढ़ाते हैं आगे अगला पॉइंट आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर सबसे मजेदार बात के वेक्टर को सर रिप्रेजेंट कैसे करोगे हमें ये तो पता चल गया कि वेक्टर एक क्रांतिकारी चीज़ है वेक्टर एक क्रांतिकारी चीज है ये नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज जैसा नहीं है इसके पास डायरेक्शन वायरेक्शन भी होती है तो यदि आपके पास एक क्वांटिटी है ए यदि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए को मैंने क्या लिख दिया? Any physical quantity ठीक है। तो ए के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, ठीक है बिल्कुल है। इसको ये मैंने mod ए को क्या लिख दिया? Mod ए को मैंने लिख दिया। Mod ए को मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a। अच्छा सर mod को डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ मैग्नीट्यूड किसका? ए का। ठीक है? और ए वेक्टर क्या है दिस रिप्रेजेंट्स दिस रिप्रेजेंट वैक्टर यह रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्टर यह रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्टर क्वांटिटी ए मतलब क्या है इस बात का इस बात का मतलब ये है कि जो ए वेक्टर होगा जो ए वेक्टर होगा इसके पास दो चीजें होंगी इसके पास दो चीजें होंगी कौन कौन सी दो चीजें होंगी इसके पास इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास इसकी दिशा होगी डिरेक्शन होगी अच्छा ये सर क्या बना के रखा है आपने समझना मान लो कि ये एक स्केल है ये एक स्केल है ठीक है अच्छी बात है अब आपने इसमें एक रेफरेंस ले लिया एक यूनिट ये बन गया रेफरेंस आपका ये बन गया रेफरेंस ये क्या है मैंने यहां पे हटा के एक बना दिया इसको ये जो डिस्टेंस है ना ये एक यूनिट है अब ये एक यूनिट यहां भी हो सकती है एक यूनिट यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है तो ये एक मेरे पास एक रेफरेंस पैरामीटर आ गया है अब अगर कोई मुझको ये बोले अगर कोई मुझको ये बोले कि एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड पांच यूनिट है पांच यूनिट और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स दी एक्स एक्सिस है तो मैं पता है क्या करूंगा मैं एक दो तीन चार पांच मान लो कि पांचवा माँ के मैं इतनी लंबी एक लाइन खींच दूंगा जो किस तरफ डायरेक्टेड होगी जो डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्स मेरे पास एक रेफरेंस आ गया ये जो वन यूनिट बनाया ना ये क्या बन गया ये वन यूनिट जो मैंने बनाया है ये क्या बन गया ये बन गया मेरा रेफरेंस रेफरेंस ये कहलाता है यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद अभी के लिए ये समझो ये रेफरेंस है कोई अगर आपको कहे कि भाई साहब तीन यूनिट का वेक्टर है और वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स दी वाई एक्सिस तो क्या करना है तो एक दो तीन बहुत बढ़िया कहां डायरेक्टेड है वाई एक्सेस की तरफ तो ये आपने बना दिया ये आपने बना दिया ओहो हो 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 सर इनके बारे में लिखते भी जाओ ना ये है थ्री सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा वाई एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं सिंबल जे और यूनिट वेक्टर के लिए पहना देते हैं टोपी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है टोपी करेंगे चर्चा टोपी की अभी के लिए समझ लो ये कितना था ये था पांच कहां पे आई के डायरेक्शन में एक्स के डायरेक्शन में अच्छा सर दो यूनिट का वेक्टर चाहिए लेकिन माइनस एक्स में चाहिए मुझको तो मेरे को तो इस डायरेक्शन में चाहिए तो ये इधर बना दो अरे इधर बना दे मेरे लाल अरे मेरे राजू खाले काजू और बना दे वेक्टर माइनस टू आई कैप ओके ठीक है सर तो मतलब अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए मैंने क्या लिखा मैंने लिखा टू आई मैंने लिखा थ्री जे मैंने लिखा माइनस फाइव के मैंने लिख... कुछ भी मैं लिख दू। मैं लिख लिख कैप तो ये ये जो जो है ये टू जो है मैग्नीट्यूड है थ्री जो है मैग्नीट्यूड है फाइव जो है मैग्नीट्यूड है टू जो है मैग्नीट्यूड है आई कैप जो है डायरेक्शन है जे कैप जो है डायरेक्शन है के कैप डायरेक्शन है के कैप डायरेक्शन है, है बोलो हाँ चमक रहा है मतलब एक वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है मेरी जान अगर आपको एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करनी है दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी बोलो जरा क्लियर है इस बात पे मैं बना रहा हूं दो तरफ स्टार्स ठीक है मजेदार बात थी सर लेकिन ये क्या किया है आपने ये मैंने कुछ ऐसा किया है कि हर वेक्टर को मैंने एक एरो हेड से रिप्रेजेंट किया है एक एरो हेड से रिप्रेजेंट किया है जिसके पास दो चीजें हैं एक टेल है और एक हेड है लिख देते हैं वेक्टर के पास दो चीजें हैं एक टेल है और एक हेड है ये है इसका मैग्नीट्यूड ये इतना जो मैंने बनाया है ये है इसका मैग्नीट्यूड ये जो हमने बनाया है ये जो हमने बनाया है ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये है वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोलो यार हा समझ में आती है बात चलो बहुत शानदार बहुत बहुत बहुत, बहुत बढ़िया लिख लो एक घुट पानी पी लें जल्दी से लिख लो इतनी बात को चलो 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 आइए फोकस 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 चलिए टर्म्स तो क्लियर है एक और महत्वपूर्ण बात सुन लो कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मान लो ए वेक्टर है ये मान लो बी वेक्टर है तो हमेशा हमेशा दो वेक्टर्स को ज्वाइन किया जाता है टेल टू टेल टेल हेड, टेल हेड। हमेशा दो वेक्टर्स को ज्वाइन करो स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं ऑलवेज ज्वाइन टू वेक्टर्स, ज्वाइन टू वेक्टर्स, ज्वाइन टू वेक्टर्स, टेल टू टेल बहुत बढ़िया दो वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करना है दो वेक्टर्स को टेल टेल टू करना है दो वेक्टर्स को टेल टेल टू करना है वैक्टर दो देखो मान लो ये एंगल मैंने दे दिया थर्टी डिग्री, या 60 डिग्री। बड़ा लग रहा है हा या ना बोलो क्या ये एंगल बिटवीन द वैक्टर है हा या ना बोलो जोर से बोलो हाँ या ना हाँ बोल रहे हो कैसे सर अरे 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 आपने अभी, अभी अभी कहा कि इनको ज्वाइन करना है टेल टू टेल तो हम क्या करेंगे हम इस वेक्टर को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देंगे इस वेक्टर को हम उठा के थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे एक वेक्टर को जब तक आप टिल्ट ना करो टिल्ट का मतलब घुमाओ ना तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है एक वेक्टर को जब तक आपने ऐसे नहीं किया ना ऐसे नहीं किया तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ा एक वेक्टर जो है जैसा है आप उसको वैसा का वैसा उठा लो आप उसको वैसा का वैसा उठा लो और यहां ले जाओ यहां ले जाओ यहां ले आओ यहां ले आओ यहां ले जाओ कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा तो आप इन वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए आपने इसको आगे बढ़ा दिया मैं इसको आगे बना नहीं रहा हूं वरना बाद में जब रिवाइज करोगे ना समझ नहीं पड़ेगा कि मास्टर ने किया क्या था अभी मैं सिर्फ इसको ऐसे डॉटेड लाइन और इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है ये ए वेक्टर था ए वेक्टर था यह बी वेक्टर था यह सही तरीके से ज्वाइन नहीं था अब यह सही तरीके से ज्वाइंट है यह सही रिप्रेजेंटेशन है तो अब आप बता सकते हो कि जो एंगल बिटवीन द वेक्टर है वो साठ डिग्री नहीं है बल्कि 180 एट्टी माइनस सिक्सटी यानी कितना यानी कि 120 डिग्री है बहुत बढ़िया यह सही है ठीक आओ और एग्जांपल देखते हैं सर यहां पे बता दीजिए ये एंगल मैंने ले लिया तीस डिग्री क्या ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है ये मान लो ए वेक्टर ये आपके सामने बी वेक्टर बोलो जरा क्या तीस डिग्री एंगल बिटवीन द वेक्टर है जल्दी बोलो क्या कहते हो हाँ या ना सर कैसे ज्वाइन करना बेटा अभी तो बताया तेरे को मैंने अरे मेरे लाल अभी तो बताया टेल टू टेल ज्वाइन कर दे रे अरे राजू टेल टू टेल ज्वाइन कर दे रे अगर आपने इसको आगे बढ़ा दिया आपने इसको आगे बढ़ाया तो देखो आपने इसकी टेल इसकी टेल से ज्वाइन कर दी कर दी ये यहां ले आए आपने इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करके आपने इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करके ऐसा बना दिया देख रहे हो इसकी टेल इसकी टेल यहां है अब दोनों की टेल एक साथ है तो ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये 30 डिग्री है तो ये कितना है ये 180 सौ है यानी कि 150 डिग्री कितना है 150 डिग्री है सो दिस इज दें दिस इज नॉट द ऐसा लिखना साफ साफ नोट्स में ऐसा साफ साफ लिखना कि दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस और इसका कारण लिखना क्या लिखोगे अभी तो मैं बोल रहा हूं प्रवचन दे रहा हूं तो समझ में आ रहा है बाद में जब तीन महीने बाद इसको रिवाइज करोगे ना तो बोलोगे अरे यार ये क्या किया था मास्टर ने डायग्राम बना दिए बस एक कार दिया लिखना पूरा ठीक है आओ जरा ये एंगल मैंने ले लिया ये एंगल मैंने ले लिया ये एंगल मैंने ले लिया साहठ डिग्री क्या ये एंगल बिटवीन द वेक्टर है सर क्या करें इसको आगे बढ़ाओ ठीक है सर बढ़ा दिया इसको आगे बढ़ाओ ठीक है सर बढ़ा दिया और डॉटेड लाइन से ही आगे बढ़ाता हूँ इसको मैं ठीक है इसको हमने आगे बढ़ा दिया अरे यार क्या हो रहा है इसको हमने आगे बढ़ा दिया बिल्कुल सर बढ़ा दिया इसको भी आगे बढ़ा दिया ठीक है सर बढ़ा दिया बहुत बढ़िया बहुत शानदार

इसको बी बोल दो बहुत बढ़िया क्या करना है टेल टू टेल ज्वाइन करनी है ये उठा के यहां ले आओ ओके ये उठा के यहां ले जाओ ओके ये ले गए उठा के ये ले गए इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इधर ठीक है ये इधर ले गए ओके इक्वल टू ऐसा लिख देता हूं ठीक ये, ए। और ये बी। एंगल कितना

इक्वल वेक्टर vector, दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहेंगे दो वेक्टर्स को इक्वल तब कहेंगे बेटा जब वो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम हो क्या मतलब है इस बात का इस बात का मतलब है ये और ये सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन क्या अभी भी इक्वल है हां सर अभी भी इक्वल है अभी भी इक्वल है हाँ सर अभी भी इक्वल है अभी भी इक्वल है हाँ सर अभी भी इक्वल है इनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं भी रख दू वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है क्यों इक्वल है क्योंकि इनके मैग्निट्यूड बराबर है इनकी डायरेक्शन बराबर है दो बालक भाग रहे हैं दो बालक भाग रहे हैं सेम रेस में सेम स्पीड पे इक्वल वेक्टर अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो कि मैं इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दूं मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अगर मैंने थोड़ी सी भी चेंज कर इक्वल इक्वल बचा 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 क्या नहीं बचा. Equal बचा? नहीं ठीक है पैरेलल वेक्टर जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो कहलाएंगे पैरेलल उनके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते आई रिपीट माई वर्ड्स मैं अपने शब्द फिर से रिपीट कर रहा हूं उनके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं अगर सेम है तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे नहीं है मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम है नॉर्मल पैरेलल वैक्टर है तो हमने क्या लिख दिया इसमें हमने लिख दिया कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट ये छोटे छोटे बातें जो है ना छोटे छोटे शब्द ये दिक्कत दे जाते हैं कई बार न्यूमरिकल्स में ठीक है इसलिए मैं साफ साफ लिख रहा हूं कि मैग्नीट्यूड्स मैग्नीट्यूड्स में और मे नॉट मे नॉट बी सेम ठीक है बात मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता चलिए ठीक है सर एंटी पैरल वेक्टर क्या होता है बेटा एक वेक्टर तूने ईस्ट में बना दिया दूसरा वेक्टर तूने वेस्ट में बना दिया फिर वही बात इनके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं डायरेक्शन इनकी अपोजिट है डायरेक्शन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है या तो ऐसा कह लें कि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है या तो ऐसा कह लें कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 180 डिग्री है सर पैरेलल में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना था जीरो डिग्री सर इक्वल में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना था जीरो डिग्री इक्वल की खासियत क्या थी मॉड इक्वल टू मॉड बी और एंगल जीरो डिग्री बहुत शानदार बहुत बढ़िया मजा आ गया यूनिट वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम में आता है यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के काम में आता है ये क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये दिशा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है इसका मैग्नीट्यूड है यूनिटी इसका मैग्नीट्यूड है यूनिटी मैग्नीट्यूड इसका है वन जैसे मान लो कि आप ए वेक्टर की बात करो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना बन गया यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर को हम लोग करते हैं कैप से ये है ए कैप ये क्या है ये यूनिट वेक्टर है ये क्या है ये यूनिट वेक्टर है ठीक है इतनी बातें ठीक है, है साइड में हट रहा हूं लिख लो और टाइप के वेक्टर्स है उनकी भी चर्चा करते हैं आइए जरा कोप्लेनर वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर ये एट द मोमेंट जो स्क्रीन मेरे सामने है ना ये एक प्लेन है ये जो स्क्रीन मैं बनाई है ये जो स्क्रीन मेरे सामने है ये एक प्लेन है सुनो तो अब इस पे मैं जितने भी वेक्टर बना दू वेक्टर नंबर वन वेक्टर नंबर टू वेक्टर नंबर थ्री वेक्टर नंबर फोर वेक्टर नंबर फाइव वेक्टर नंबर सिक्स सेवन जितने भी बना दू, एक प्लेन पे ये सारे कहलाएंगे को प्लानर चमका एए! चमका के नहीं चमका चमका ना जितने वेक्टर बेटा मैं बना दूं एक प्लेन पे ये क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे को प्लैनर जैसे मान लो कि ये प्लेन है कई लोगों को ना प्लेन विजुअलाइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है कोई दिक्कत नहीं देखो ये प्लेन है ठीक है ये एक लाइन बना दी परपेंडिकुलर टू द प्लेन अब आप इस पर जाके खड़े हो जाओ आप इस पर जाके खड़े हो जाओ ठीक है अब इस सरफेस पे आप जितनी भी लाइन खींच दो इस सरफेस पे आप चाहे जितनी लाइन खींच दो एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन छठी लाइन सातवी लाइन आठवीं लाइन नौवीं लाइन दसवीं लाइन ये सभी जितना आपने इस प्लेन पे जो जो कारनामे किए हैं ये सारे को प्लेनर हैं। को इनिशियल को के बारे में क्या लिखा हमने लिख भी देते हैं ऑल द वैक्टर्स ऑल वैक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लानर बहुत बढ़िया ठीक को इनिशियल को इनिशियल क्या वेक्टर होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं जिनके जिनके सेम ओरिजिन होते हैं सेम इनिशियल पॉइंट्स होते हैं ठीक है सेम इनिशियल पॉइंट्स जिन वेक्टर्स के होते हैं वो कहलाएंगे को इनिशियल ये आपने बना दिए कुछ वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये कैसे गुरु ये को इनिशियल है कोलिनियर नाम से ही समझ में आ रहा है सेम लाइन में होने वाले हैं एक लाइन खींचो इस लाइन पे आप जितने वेक्टर बना सकते हो बना दो सर पैरल होने चाहिए या एंटी पैरल कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोलिनियर की बात कर रहे हो हो की बात कर रहे हो। ये भी कोर है ये भी कोलिनियर है ये भी कोलिनियर है ठीक है ऐसा लिखो ए वैक्टर दूसरा कलर यूज करता हूं ठीक है ऐसा लिखो ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर कलर से ही दिख रहा है सामने आके देखता हूं बोर्ड पे सही दिख रहा है। तो तो ऐसा लिखो, लिख लिया। तो इसमें आपने क्या कहा कि ए, बी और सी तीनों है। ठीक है। लेकिन अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है। अभी इसमें मजेदार बात बात बताता हूं। बात बताता हूं। जो कई किताबों में नहीं दी होती, है। से सुनना। कई, पे नहीं दी होती है। कई बच्चों को नहीं पता होती है। आप अच्छे से लिखना इस बात को, को लीनियर वैक्टर वो भी होते हैं टू द सेम लाइन टू द सेम लाइन एक लाइन खींच दो ठीक है सर खींच दी ये खींच दी हमने एक लाइन अब मैं कुछ वेक्टर्स बना रहा हूं जैसे मैंने बना दिया वेक्टर नंबर वन वेक्टर नंबर टू बहुत बढ़िया ठीक वेक्टर नंबर वन या तो वेक्टर नंबर ए और वेक्टर नंबर बी

मैग्नीट्यूड कितना हो जीरो हो ठीक है तो मैंने इसमें लिख दिया मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो नल वेक्टर ठीक है कई बार इसको एक पॉइंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं चलिए तो चर्चा बढ़ा दी जाए आगे दो वेक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर पोलर वेक्टर अभी हम लोग सिर्फ इसका नाम पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर काम का है वो मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में पोलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है पोलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम उसके कोऑर्डिनेट्स और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे क्या मतलब है सर इस बात का ये बातें अभी ये समझने में थोड़ा समय लगेगा हमको क्योंकि अभी हम लोग पहले पोजिशन वैक्टर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ये समझे उसके बाद की चर्चा है ये लेकिन टाइप्स ऑफ वैक्टर में नाम आ रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं मान लो कि ये एक पॉइंट आपने रिप्रेजेंट किया कैसे रिप्रेजेंट करोगे x कॉमा वाई से और क्या कहोगे आप ये कहोगे कि ये जो है लाइन जो आपने बनाई है ये x एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है थीटा तो जब किसी वैक्टर को जब किसी वैक्टर को जब किसी वैक्टर को आप x, कॉम वाई उसके पोजिशन या तो उसके या तो उसके एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो क्या कहा मैंने वेन एनी वैक्टर वेन एनी वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ़ इट्स पोजिशन एंड इट्स एंगल इट इज कॉल्ड पोलार वेक्टर ठीक है ये बात लिख लेना एक्सियल वेक्टर गुरु मजेदार चीज है एक्सियल वेक्टर मजेदार चीज है इंपॉर्टेंट चीज है एक्सियल वेक्टर क्यों महत्वपूर्ण है समझना क्यों महत्वपूर्ण है एक्जियल वैक्टर अभी बताता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर्क्युलर मोशन रोटेशनल मोशन से शुरुआत हो जाती है एक्सियल वेक्टर की चर्चा अब मैं आपसे कहूं कि मान लो ये एक प्लेन है ठीक है सर प्लेन है अच्छे से बना देते हैं प्लेन ये बन गया आपका प्लेन ठीक है ध्यान से सुनना ये एक प्लेन है ओके सर क्या हो रहा है इस प्लेन में इस प्लेन में आप खड़े थे और आप क्या कर रहे थे आप एक रस्सी से गोल 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 घुमा रहे थे इस प्लेन में आप एक रस्सी इस प्लेन में से गोल गोल घुमा रहे हो देख रहे हो बढ़िया लग रही है देख रहे हो इधर कैसी लग रही है रस्सी घूमती हुई गोल 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 पानी इतना पानी है घूम रही गोल गोल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब बात क्या है बात कुछ ऐसी है कि यदि यदि इस प्लेन में हम चर्चा करें जो आप कर रहे हो उस खेल की आप क्या कर रहे हो बेसिकली आप एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो जो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक पहुंच रहा है ठीक है मान लो ये सेंटर है सेंट्रल लाइन के अबाउट घुमा रहे हो ये बना दी मैंने सेंट्रल लाइन खींच दी मैंने सेंट्रल लाइन बहुत शानदार अब देखो यार ऑब्जेक्ट को आप घुमा रहे हो कुछ ऐसे पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर ए से बी तक ऑब्जेक्ट पहुंचा तो इसने क्या कवर किया है सर इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अच्छा अच्छा ये दस सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है पांच सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है एक सेकेंड में दस चक्कर लगा रहा है यानी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन ये जितने भी पैरामीटर्स में लिख रहा हूं थीटा ओमेगा एल्फा ये सारे कहलाते हैं एक्जियल वैक्टर्स क्या होते हैं ये ये वो वैक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन डायरेक्शन होती है अलोंग दी एक्सिस ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन है है जिनकी, जिनकी दिशा होती है अलोंग दी एक्सिस एक्सिस के अलोंग होती है यदि आप ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते हो यदि आप ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते हो तो आपका थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन किसकी एक्जल की यदि आप ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते हो तो आपका थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन किसकी एक्जियल वैक्टर की की की, की. इस, इस केस में डायरेक्शन क्या है इस पर्टिकुलर केस में एक्जियल वेक्टर की डायरेक्शन है ऊपर इस केस में एक्जियल वेक्टर की डायरेक्शन है ऊपर यदि मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा तो एक्सियल वैक्टर की डायरेक्शन क्या बन जाएगी नीचे तो यह बात लिख लेना इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन क्या बताइए आपने अलोंग दी एक्सेस और निकालोगे कैसे निकालोगे कैसे डायरेक्शन निकालोगे कैसे डायरेक्शन इज फाउंड डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल राइट एंड रूल um, ये बात लिखो ठीक है साइड में रहा हूं अगर ये ऐसे घूम रही है हाथ घुमाओ राइट हैंड लेफ्ट नहीं घुमाना राइट right लेना है गोल घुमाना है ठीक है घुमाओ थम्स अप उल्टी अगर घूम रही है ऐसी थम्स डाउन ठीक है लिख लो इसको साइड में मेट्राउंड स्क्रीन शॉट लो जल्दी चलो गुरु बात ठीक है आइए जरा चर्चा बढ़ाते हैं आगे मैंने कहा था यूनिट वेक्टर हम सेपरेटली पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में अभी आपने क्या बताया कि ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है आपने दो बातें कही पहली बात आपने कही कि ये रिप्रेजेंट करता है क्या ये प्रेजेंट करता है क्या ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड होता है यूनिटी इतना यूनिटी अच्छा 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 तो जरा एक बात बताइए एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा है एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा है क्या ये सही है सवाल मतलब एक स्टेटमेंट आपके सामने है मॉड आई कैप सॉरी आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप क्या रिप्रेजेंट करते, है? करते हैं आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग एक्स अलोंग वाई

तुम्हारा भाई एकदम जबराट है पढ़ाते पढ़ाते भी कर दिया एक्स वाई जेड ठीक है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट फॉल्स है ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट क्यों क्योंकि इनके मैग्निट्यूड बराबर है आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लिख देता हूं आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट एक्टर यूनिट एक्टर नहीं यूनिट वेक्टर

पांच छह सात आठ नौ दस क्या बात है दस आ गया बिल्कुल दस यूनिट है आपको इसको वन बनाना है तो आप क्या करोगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है ना उसको दस से डिवाइड करोगे आप क्या कर दोगे उसको दस से डिवाइड कर दोगे ओहो अरे चमक रहा है कुछ क्या कह रहा हूं मैं चमक रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि यदि एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दस यूनिट था दस यूनिट था तो उसके यूनिट वेक्टर को क्या किया आपने आपने उस वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गया तो वो क्या बन गया थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं इस बात को ये क्या है ये इसका दसवा हिस्सा है सुनो ये क्या बनाया आपने ये इस पूरे वेक्टर का दसवा हिस्सा है वन टेन थे इसका मैग्नीट्यूड टेन है इसका मैग्नीट्यूड वन है ये जो आपने वेक्टर बनाया ऊपर

अब सर ये मैग्नीट्यूड क्या बला है मैग्नीट्यूड क्या बला है लिख देते हैं साफ साफ देख लेना यहां पे ए वैक्टर क्या है ए वैक्टर के बारे में आपने कह दिया कि दिस इज द यूनिट वैक्टर ये क्या है ये है ए वैक्टर बहुत शानदार ये डब्बा क्या है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नी ट्यूड ऑफ ए ठीक है? है ये मैग्निट्यूड ऑफ ए, ओके? अब ए का मैग्निट्यूड कैसे निकालोगे रे ए का मैग्निट्यूड कैसे निकालोगे आइए जरा समझे आइए जरा समझे आइए जरा समझे मान लो कि ये एक लाइन है ठीक सुनते चलना काम की बात है ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस ये ए वेक्टर है ये एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सिस में इसका जो इफेक्ट है इसका जो है, उसको हमने उसको उठा के यहाँ ले जा सकते वहां सर ले जा सकते हैं तो ले जाओ तेज रफ्तार में ले गए और ये क्या ये ए एक्स ये क्या है ये AX है, AX. अच्छा 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 एग्जाम्पल अच्छा। अच्छा। मान लो कि ये तीन है अरे मान लो कि ये चार है तो ये चार था ना यहाँ पे इसको आपने यहां रिप्रेजेंट कर दिया अब ये तीन है ये चार है एंगल इनका नाइनटी डिग्री है तो वो रिजल्टेंट कितना आया आपका तीन चार पैदे कितना आया ये पांच आया मतलब आपने किया क्या है किसी वैक्टर का एग्जाम्पल देके लिखता हूं कोई वैक्टर है मान लीजिए कि एक वेक्टर आपने लिखा ए वेक्टर ए एक्स आई कैप ए का एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट ए एक्स A का वाई डायरेक्शन में इफेक्ट ए का एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट एक्स ए का y direction में इफेक्ट वेक्टर रिप्रेजेंट किया है ये आपने a vector represent किया है. इसका magnitude कैसे कैसे करेगा रे? रे इसका magnitude कैसे represent इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ए से और इसको हम लिखेंगे रूट ओवर ए एक्स वा का स्क्वायर वा प्लस ए वाई वा

हमको करना क्या है हमको एक पोजिशन रिप्रेजेंट करनी है मैं आपसे पूछू की बेटा ये डॉट किधर है <laughs> मैं आपसे ये डॉट किधर है तो आप क्या बोलोगे ये तुम खड़े हो इधर ठीक है ये ये तुम खड़े हो ये खुद का नाम लिख लेना यहां पे दिस इज यू स्टैंडिंग ओवर सोन टू खड़ा ये सोन टू खड़ा है सोन से पूछो कि ये पॉइंट किधर है तो वो बोलेगा ये पॉइंट उधर है उधर अच्छा अच्छा मोन्टू से पूछो ये पॉइंट किधर है वो बोलेगा उधर है उधर टिंटू से पूछो ये पॉइंट किधर है या रिंकिया से पूछो ये पॉइंट किधर है वो बोलेगी उधर चिंकिया से पूछो ये पॉइंट किधर है वो बोलेगी उधर है अब सभी तो ये बोल रहे हैं उधर है तो किसका उधर सही है किसका उधर इज द करेक्ट आंसर एक बोल रहा इधर एक बोल रहा उधर ये बोल रहा उस तरफ ये बोल रहा इस तरफ सारी बातें फालतू है ऐसे हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप कंफ्यूज हो जाओगे समझ में आ रहा है? कि क्यों चाहिए वेक्टर? इस 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 समस्या से, इस हरकत से, इस से हरकत कार्य बचने के लिए हमको चाहिए पोजिशन वैक्टर तो हमने क्या कह दिया हमने यह कह दिया कि भाई पहले तो एक रेफरेंस ले लो पहले तो एक रेफरेंस ले लो तुम तो हमने इस पॉइंट को रेफरेंस ले लिया हमने इस पॉइंट को रेफरेंस ले लिया इस पॉइंट को हमने हमारा ओरिजिन ले लिया 0.0.0 इस पॉइंट को हमने हमारा रेफरेंस ले लिया ओरिजिन ले लिया 0.0.0 बहुत बढ़िया बहुत शानदार और ये आपने इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया ये आपने इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया ओके okay. ओ okay. बहुत बढ़िया बहुत शानदार ठीक है अब आप क्या कहोगे आप ये कहोगे कि वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे डायरेक्शन में उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे कौन सी डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में ये एक्स ये वाई और ये जेड ठीक है तो पी पॉइंट के बारे में आपने कह दिया कि यार

ये x एक्सिस पे कुछ इतनी डिस्टेंस पे है x एक्सिस पे कुछ इतनी डिस्टेंस पे है कितनी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे या वन कह दो वन डिस्टेंस पे है y एक्सिस पे वाई वन डिस्टेंस पे z एक्सिस पे वन डिस्टेंस है समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैंने पूछा x एक्सिस पे ये पॉइंट कहां है तो आपने कहा कि सर ये पॉइंट x एक्सिस पे कुछ x1 डिस्टेंस पे है ओ पे कितने डिस्टेंस पे है वाई एक्सेस पे कुछ वाई वन डिस्टेंस पे है ओ पे 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 तो इसका जो पोजिशन वेक्टर आप लिखोगे उसको इस प्रकार से लिखोगे और इसको क्या लिख दोगे आपका हो गए एक्स एक्सिस पे एक्स वन डिस्टेंस वाई एक्सेस पे वाई वन डिस्टेंस z एक्सिस पे z1 वन डिस्टेंस तो ये एक्सप्रेशन बन गया ये एक्सप्रेशन बन गया किसका अरे ये एक्सप्रेशन बन गया किसका ये एक्सप्रेशन बन गया पोजिशन वेक्टर का ये एक्सप्रेशन बन गया किसका थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ वाई और z को ये बन गया वाई वन जे कैप प्लस जेड वन कैप अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे आप कुछ ऐसा कर दोगे रूट ओवर एक्स वन स्क्र अच्छा प्लस वाई वन स्क्वेयर ओके प्लस जेड वन स्क्वेर ओके सर बहुत बढ़िया मजा आ गया ठीक है तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन फॉर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर सर एक एग्जाम्पल से समझाइए ठीक है ठीक है मैंने आपके सामने ये पॉइंट रख दिया मैंने एक रेंडम पॉइंट आपके सामने बनाया एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई और मैंने आपके सामने एक पॉइंट एकमा फोर कॉमा सिक्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे इसकी कितनी दूरी है ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे इसकी कितनी दूरी है एक्स एक्सिस से इसकी दूरी ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे तीन यूनिट की डिस्टेंस है ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितने यूनिट की डिस्टेंस है चार यूनिट की डिस्टेंस है ओरिजिन से जेड एक्सिस पे छह यूनिट की डिस्टेंस है तो इसका पोजिशन वेक्टर आप क्या लिखेंगे इसका पोजिशन वेक्टर आप कुछ ऐसा लिखेंगे कैसा लिखेंगे इसका पोजीशन वेक्टर आप कुछ ऐसा लिखेंगे थ्री आई कैप प्लस फोर कैप प्लस सिक्स कैप इसका मैग्नीट्यूड आप कितना लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड आप इतना लिखेंगे रूट ओवर थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वे प्लस सिक्स स्क्वेयर इसको निकाल लीजिएगा ठीक है दिस इज ऑफ दोजिशन वैक्टर ओके लेकिन सर ये तो समझ ये तो समझ में आ जाता है हमको ये पॉइंट तो समझ में आ जाता है सबको समझ आ जाता है समस्या आती है यहां पे समस्या आती है यहां पे फंसते हैं बच्चे इधर पोजीशन वेक्टर में कोई नहीं फंसता है ठीक है पोजीशन वेक्टर तक जीवन बिल्कुल आसान चल रहा होता है लेकिन दिक्कत इधर आती है जब हम लोग जब हम लोग जब हम लोग दो पॉइंट्स की चर्चा करते हैं मतलब मान लो कि ये एक पॉइंट ए है ये एक पॉइंट बी है ए के कोऑर्डिनेट्स आपने ले लिए एक्स वन कौमा वाई वन जेड वन बी के कोऑर्डिनेट्स आपने ले लिए एक्स टू कौमा वाई टू जेड टू बहुत बढ़िया अब आपने क्या करना है आपको ओरिजिन से ओरिजिन भी रिप्रेजेंट कर दो जीरो बहुत बढ़िया आपको ओरिजिन से एक लाइन बनानी है इधर ठीक है बना दी ये क्या ये क्या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगी करेगी पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इसको मैंने लिख दिया आर ए एक एक शब्द ध्यान से सुनते चलना एक एक बात ध्यान से सुनते चलना आर ए क्या है आर ए इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए जिसको कि आपने लिख दिया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप बहुत बढ़िया इसी प्रकार से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी बी तक वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है पोजिशन वेक्टर ऑफ बी तो उसको आपने कह दिया आर बी क्या कह दिया आर बी एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप ओ हो हो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिए हैं दोनों पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर्स अब आपको क्या करना है अब आपको बात करनी है पोजिशन वैक्टर अब आपको बात करनी है पोजिशन वैक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और इसी को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इसी को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आर ए बी यानी ए से बी तक की चर्चा इसको मैं सिंपल एकदम पहले समझाता हूं आपको ध्यान से देखना आप सिर्फ ये समझो आप एक्स और वाई में समझो आप प्लेन में समझो पहले एक, आप एक प्लेन में समझो ए पॉइंट वैल्यू ले लेता हूं ज्यादा अच्छे से रिलेट होगा टू कॉमा फोर है ठीक है मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे हो आप लोग एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस टू यूनिट है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चार यूनिट है हा या ना हाँ जी सर बिल्कुल सौ प्रतिशत बी पॉइंट बी पॉइंट फाइव या तो और ज्यादा लेते हैं डिस्टेंस सेवन कॉमा एट है इसका क्या मतलब इसका मतलब एक्स इक्वल टू एट तक पहुंच चुके हैं और वाई एक्सेस पे वाई इक्वल टू फोर से उठ के सॉरी एक्स एक्स पे सेवन तक पहुंच चुके हैं और वाई एक्सेस पे चार से उठ के आठ तक पहुंच चुके हैं अच्छा तो अब अगर मैं आपसे पूछूं पूछूंगी सिर्फ यह बताइए कि एक्सिस पे कितना चले हो तो आप कहोगे है वाई एक्स पे कितना चले हो सर इतना चले हैं एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कह दिया आपने सात माइनस पांच सात सॉरी सात माइनस दो सात माइनस दो और y का डिस्टेंस कितना कह दिया आठ माइनस चार अच्छा 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 मतलब अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है तो आप कह दोगे रूट ओवर चार स्क्वायर प्लस पांच स्क्वायर चमक रहा है बिल्कुल सर ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है बिल्कुल है अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हैं कुछ भी नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है प्यारे तुझको सिर्फ ऐसे लिखना है पोजिशन वैक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आर ए बी दिस इज नथिंग बट आर बी माइनस आर ए ठीक है आर बी माइनस आर ए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के क्या है? बहुत बढ़िया बहुत शानदार ये है आर ए बी ये है आर ए बी ओके चर्चा समझ में आ गई चर्चा समझ में आ गई बहुत बढ़िया इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ठीक है जैसे यहां पे क्या किया था आपने यहां पे अगर आपसे मैं पूछूं कि ये दो पॉइंट हैं ए और बी ये दो पॉइंट हैं ए और बी इसमें आप आर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो इसमें आप आर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या करोगे रूट ओवर क्या करोगे आप आप कुछ ऐसा करोगे रूट ओवर एट माइनस फोर का स्क्वायर एट माइनस फोर का स्क्वायर प्लस सेवन माइनस टू का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम तो ये क्या है बेसिकली ये वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर और अगर जेड आ गया तो रूट ओवर जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर ये है अच्छा अब आप सिर्फ इसमें ट्राइंगल देखो ट्राइंगल लॉ से भी यही चीज समझाऊंगा थोड़ी देर बाद अभी हम ट्राइंगल लॉ से भी यही चीज समझेंगे कुछ समय के बाद यहां पे आप देखो ये आर ए है ये आर ए बी है और ये आर बी है आई रिपीट आर ए आर ए बी और आर बी आर ए आर ए बी और आर बी, आरे, आरे बी, और आर बी। आर ए प्लस आर ए बी इक्वल टू आर बी आर ए को इधर ले जाइए तो इक्वेशन क्या बनेगी आर ए प्लस आर ए बीवल टू आर बी ये मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी ट्रैंगल लॉ में हार्डली दस मिनट बाद बस अभी ये बात को ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि आप ये देखो आर ए प्लस आर ए बी इक्वल टू आर बी वही तो यहां पे भी आ रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ आर ए प्लस आर ए बी इक्वल टू आर बी सर ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ट्रायंगल लॉ प्रूव कर दिया किया है और थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करूंगा ठीक है चलिए यह बात समझने के लिए कुछ सवाल करना जरूरी है पहला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल आपके सामने है ये रीड करो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड कितना देके रखा है पांच यूनिट देके रखा है और इसकी डायरेक्शन देके रखी है ईस्ट में वट इज द मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ माइनस फाइव ए कैप यार माइनस फाइव ए कैप मैग्नीट्यूड तो उतना ही है और डायरेक्शन क्या बन जाएगी अगर आपने प्लस डायरेक्शन को एक्स लिया है ओहो प्लस डायरेक्शन को एक्स लिया है तो माइनस क्या बन जाएगा ये आपने ईस्ट लिया है तो ये बन जाएगा वेस्ट ओके तो आंसर आ गया फाइव यूनिट्स ड्यू वेस्ट आंसर आसान था अगला सवाल आपके सामने है ये पढ़ो जरा सवाल को मैग्निट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर विद एंड पॉइंट फोर कॉमा माइनस फोर कॉमा जीरो माइनस टू कॉमा माइनस टू कॉमा जीरो एक पॉइंट को ए कह दो एक पॉइंट को बी कह दो ठीक है सर चित्र बनाने की जरूरत है नहीं जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप क्या करोगे आपको चर्चा करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी जिसको डायरेक्टली अब आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली आप ये लिखना सीख चुके हो कि ये बन जाएगा रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर बोलना पड़ेगा चुप नहीं बैठना है प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वेयर ओके जवाज़ हम बिल्कुल बात ठीक है आइए डेटा सब्सटीट्यूट करते हैं ये कितना बन जाएगा x2 टू माइनस एक्स वन यानि माइनस दो माइनस चार का स्क्वेयर प्लस माइनस दो माइनस माइनस चार का स्क्वेयर प्लस जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर जो जीरो ही बचेगा रूट so, ओवर बन रहा है छ का स्क्वायर यानी छत्तीस प्लस ये बन जाएगा चार में से दो गए दो यानी दो का स्क्वायर चार यानी रूट चालीस रूट चालीस कितना होता है रूट चालीस होता है टू रूट टेन इस बात को तेज रफ्तार में लिखी डंडना डंडन हाँ जी तो ठीक है इतनी बात चर्चा बढ़ाते हैं आगे अगला सवाल आपके सामने है ये पढ़ो जरा सवाल को क्या कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक यूनिट वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया है एक यूनिट वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया है कुछ इस प्रकार से ये नीट का पी वाई क्यू है आपको मैं बता दूं इतना आसान सवाल नीट में पूछा गया था डायरेक्ट वेक्टर पे बहुत कम होता है कि डायरेक्ट वेक्टर या बेसिक मैथमेटिक्स पे कोई सवाल आ जाए लेकिन ये पूछा था एक यूनिट वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया है द वैल्यू ऑफ सी इज गोइंग टू बी सी की वैल्यू कितनी होगी यूनिट वेक्टर क्या होता है पहले तो ये बताओ सर यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है ओके okay, प्यारे ठीक है बहुत बढ़िया मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा इस वेक्टर का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर पॉइंट फाइव का स्क्वेयर प्लस पॉइंट एट का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर और ये मैग्नीट्यूड कितना है ये मैग्नीट्यूड यूनिटी है यानी कि वन है मैग्नीट्यूड यूनिटी है यानी वन है ओके स्क्वेयरिंग कर दो कर दी स्क्वेयरिंग पॉइंट फाइव का स्क्वायर कितना बन जाएगा पच्चीस इसको फाइव बाई टेन लिख लो रही पॉइंट टू फाइव एट बाइं 10 का स्क्वायर यानी 64 बाय 100.64 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा 1 इन दोनों को एड अप करो कितना बन जाएगा ये 5 4 9 2 6 8 उस तरफ ले जाओ माइनस का 0.89 ठीक है 1 माइनस 0.89 ओके 1 कितना बचेगा सी स्क्वायर बच जाएगा आ रहा है? Second, क्या हमने कोई गड़बड़ कर दी वन पॉइंट जीरो जीरो माइनस पॉइंट एट नाइन दस दस में से नौ गए एक नौ में से आठ गए एक पॉइंट वन वन रियली सॉरी पॉइंट वन वन ओके सर वन वन। ये C square की है, वन वन। तो C की की वैल्यू 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 है तो कितनी आ जाएगी? C की आ जाएगी जाएगी कितना बन जाएगा उससे और छोटा जीरो वन। लिख लो में कितने लोगों ने यह आंसर निकाल लिया था जिन्होंने निकाला था वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना एक है डंडन, डंडन क्या कर दिया हमने अरे ये क्या मार्क कर दिया हमने

नल वेक्टर भी नहीं है कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा इन शॉर्ट हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालें यदि मैं आपको एक वेक्टर देता हूं ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप इसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे निकालते हैं रूट ओवर ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वेयर बहुत बढ़िया

तो नल वेक्टर और स्केलर को तो पहले ही काट दिया था तो समझ आ गया कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड इज यूनिटी ठीक है इतनी बात इतनी चर्चा में कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी किसी को भी सर तो अभी तक हमने क्या बात की अभी तक हमने वैक्टर को रिप्रेजेंट किया उसके डायरेक्शन की बात की और हमने बात की यूनिट वैक्टर पे ठीक है पोजिशन वैक्टर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर देखे वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा अब हम चर्चा कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की कि यदि हम दो वेक्टर्स को एडअप करते हैं तो क्या होता है सर जब हम दो स्केलर को करते हैं तो तब तो हम सीधे ये लिख देते हैं तू प्लस तू बराबर चार। लेकिन जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बक्से पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमको चर्चा करनी पड़ती है कि ये फोर्स आप किस एंगल पे लगा रहे हो जो एफ आप लगा रहे हो दो न्यूटन और दो न्यूटन के यदि आप फोर्स लगा रहे हो तो इस सिचुएशन में आंसर हमेशा चार होगा क्या बिल्कुल भी नहीं होगा और यही निकालने के लिए हमें सीखना है एडिशन ऑफ है, है।, है। शॉर्ट में पहले तीनों लॉ बता रहा हूं फिर डिटेल में एक एक लॉ बताऊंगा पहले शॉर्ट में तीनों लॉ लिख रहा हूं आपके सामने फिर डिटेल में एक एक की बात करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल लॉ अभी ड्यूरिंग द डिस्कशन ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर मैंने पैरालोग्राम बताया था और कहा था कि याद रखना मैंने सॉरी ट्राइंगल लॉ बताया था और कहा था कि याद रखना आइए करते हैं जैसे मान लो ये ए वैक्टर है ये बी वैक्टर है ठीक एक फोर्स यहां लग रहा है एक फोर्स यहां लग रहा है ए और बी ए वैक्टर और बी वैक्टर बहुत बढ़िया एक वेक्टर आपने बना दिया सी वेक्टर। एक वेक्टर आपने बना दिया सी वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि आप उन वेक्टर्स को देखिए जो सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं सर सीक्वेंस का क्या मतलब है सीक्वेंस का ये मतलब है कि जो टेल हेड टेल हेड जैसे जॉइंड हैं क्या मतलब मास्टर ए का टेल ए का हेड सी का टेल सी का हेड एक सीक्वेंस है ए का टेल ए का हेड बी का टेल बी का हेड ए से सी की अगर आप चर्चा करो तो वो सेम हेड टेल हेड टेल के सीक्वेंस में ज्वाइन है और बी अपोजिट डायरेक्शन में इनसे मिल रहा है मतलब अगर आप भागना शुरू करो तो देखो ये एक आदमी भाग रहा है भागा 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 और एक दूसरी तरफ से भागा तो ये दोनों यहां पे आके मिलेंगे मतलब एक जा रहा है अलोंग ए उसके बाद जाएगा अलोंग सी और दूसरा जा रहा है अलोंग बी तो इसको हमने कह दिया बोलचाल की भाषा में कि ये सेम सीक्वेंस में है और ये अपोजिट सीक्वेंस में है तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ये कहता है ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि जो वेक्टर सेम सीक्वेंस में है उनका एडिशन उनका एडिशन जो अपोजिट सीक्वेंस में है उसके बराबर होगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी वेक्टर अब क्या यही ऐसा ही कुछ देखा था हमने hey, वो मी में ना वेट अ मिनट I've seen this somewhere. ये हमने देखा है पहले कहीं कहा देखा है ये हमने यहां देखा है ये हमने यहां देखा है कैसे देखा है मास्टर देखो जरा देखो जरा देखो देखो जरा देखो एक्टर प्लस आर ए बीवल टू आर बी आर ए प्लस आर ए बीवल टू आर बी सर कहां लिखा है ऐसा अरे यहां लिख देना यार यहाँ लिख देना ब्रैकेट में क्या लिख सकता है इसको राइट साइड ले जा सकता है आंसर ले जा सकता हूं तो क्या लिख देगा प्लस बिल्कुल सही जवाब आर ए प्लस आर ए बी इक्वल टू तो आर बी बहुत बढ़िया बहुत शानदार मजा आ गया चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे अभी अभी आपने बात करी ट्राइंगल लॉ की ओके पैरलोग्राम लॉ क्या होता है देखो यार पैरलोग्राम लॉ भी बड़ा सरल है बड़ा सीधा है बड़ा सटीक है वो ये कहता है कि जैसे अभी आपने बोला ना सर दो फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं वो चर्चा करनी पड़ेगी मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे आपने दो फोर्स लगाए एक ए और एक बी ठीक है एक बॉल है कहाँ है सर ये रही इस गेंद पे इस बॉल पे हमने दो फोर्स लगा दिए एक यहां और एक यहां बॉल कहां जाएगी यहां जाएगी या यहां जाएगी बॉल कहां जाएगी यहां जाएगी या यहां जाएगी सर दोनों ही जगह नहीं जाएगी इनके बीच में कहीं जाएगी तो इनके बीच में तो कई सारी डायरेक्शन है इनके बीच में तो ये डायरेक्शन भी है ये भी है ये भी है ये भी है इनफाइनाइट डायरेक्शन से इनके बीच में कहा जाएगी हमें क्या पता ये बात को थोड़ा टेक्निकल बनाने के लिए हम कहते हैं कि सुनो ये सारी बातें रहने दो और आप कंप्लीट करो एक पैरलोग्राम ये ए को उठाओ और उठा के यहां टिका दो ओके सर बी को उठाओ और बी को यहां टिका दो ओके okay, सर और ये बना दो इधर से इधर तक क्या बना दो इसका रिजल्टेंट यानी इसका डायगोनल तो ये जो डायगोनल है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इनका जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ए वेक्टर बी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा और ये है इन दोनों का नेट मतलब मान लो दो फोर्स लग रहे हैं ए और बी की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है इतना लग रहा है कहां लग रहा है सॉरी यहां लग रहा है कितना लग रहा है बताऊंगा कितना लग रहा है अभी निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखेंगे ठीक है चलिए ट्राइंगल लॉ पैरलोग्राम लॉ सर ये तो सेम ही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है पॉलीगॉन लॉ इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये ए वेक्टर है ये बी वैक्टर है ठीक है सुनते चलना हमने बना दिया कुछ यहां पे, ठीक है ए और बी का रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ से हमने बना दिया ये डॉटेड लाइन से बहुत बढ़िया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो रिजल्टेंट है ना ट्राइंगल लॉ क्या कहता है यार जो जो सेम सीक्वेंस सीक्वेंस में में उनको ऐड करो करो वेक्टर अपोजिट है उससे इक्वेट तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से, यहां से तक का जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बना दिया मैंने यहां पे बहुत बढ़िया बहुत शानदार अब मैंने ले लिया एक और वेक्टर ये क्या है ये है सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ओके ओरिजिन से लेके ओरिजिन से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक ज्वाइन करो ओरिजिन से लेके यहां तक ज्वाइन करो कर दिया कर दिया तो ये जो पॉइंट है ये जो आपने बनाया है ये क्या है ये इसका और इसका सम है तो इसको आप क्या लिख दोगे इसको आप लिख दोगे

ये जो भी लाइन जो भी कलर है ना ये इसकी वैल्यू बताओ क्या करना है कुछ नहीं करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अच्छा 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 और अगर मैं ट्राइंगल लॉ देखूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो ये क्या बन गया जो नेट रिजल्टेंट है किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहो ठीक है किसी भी इंस्टेंट पे और बना के दिखा देता हूं ठीक है यहां पे आपने क्या लिख दिया यहां पे आपने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी समझ रहे हो a plus b plus c plus d एक और बढ़ा देता हूं आगे मैंने अब ले लिया e कहां ले लिया यहां ले लिया e इसको सफेद कलर से ही लेते हैं ये मैंने ले लिया e क्या ले लिया e ले लिया e दिस इज e वेक्टर बहुत बढ़िया और ये इधर मैंने जॉइन कर दिया ये इधर ऐसे जॉइन कर दिया मैंने ठीक है ये इधर मैंने ऐसे जॉइन कर दिया सुनना जरा ध्यान से ये a है ठीक ए बी सी डी इसको अच्छे से लिख दू दिख नहीं रहा है थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा देखो ये है ये ठीक है ये है अब इसको कैसे लिखूं कि ये दिख जाए ऐसे लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ठीक है ठीक है ठीक है समझने वाली बात है तुम अच्छे से लिखना एकदम अब देखो ये निकालना है आपको इसको मैं नेट रिजल्टेंट आर कह रहा हूं तो इसको मैं कैसे निकालूंगा ट्राइंगल लॉ से कौन कौन से ट्राइंगल देखूंगा सर एक तो ये ट्राइंगल देखिए एक तो एक तो ये साइड देखिए ठीक है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू आर ये ट्राइंगल देखिए ए प्लस बी प्लस सी +E प्लस डी प्लस ई इक्वल टू आर यानी यहां से हम लिख सकते हैं बोलो यार के जो आर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सेम सीक्वेंस फॉलो करते जाइए सेम सीक्वेंस फॉलो करते जाइए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हा या ना बिल्कुल सौ प्रतिशत तो आपने रिजल्टेंट को क्या लिख दिया आपने रिजल्टेंट को लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई खेल खत्म ठीक है सारे लॉस आपको यहां पे बता दिए अब आइए करते हैं चर्चा तेज रफ्तार में बातें बढ़ा रहे हैं आगे ट्रैंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे कैसे बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स हैं ये ए और ये बी ये ए और ये बी पहली स्टेप दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करो ठीक है सर कर दी ये बन गया ए ओके ये बन गया बी ओके okay. आपको क्या निकालना है आपको रिजल्टेंट निकालना है आपको क्या निकालना है आपको रिजल्टेंट निकालना है सर कहां होगा देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करो ना ये अगर ए है अरे हरा कलर का है? ये रहा ये अगर ए है ठीक है ए को रखो यहां रख दिया मास्टर ये ए है ए को रखो यहां ओके मास्टर रख दिया ठीक है अच्छी बात और बी को उठाओ बी को उठाओ बी को ले जाओ बी को ले जाओ उसके हेड पे बी को ले जाओ उसके अरे बी को उठाओ और बी को ले जाओ उसके हेड पे ले गए बिल्कुल ले गए ले गए बिल्कुल ले गए ए बी को बिना मूव किए ले जाओ बी तक ले गए अब आपने क्या किया कि इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ट्राइंगल लॉ के अनुसार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर जो कि रिजल्टेंट है और यही हमको निकालना है अब हमने किया छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने किया छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहां पे एक लाइन खींची और यहां पे एक लाइन खींची ठीक है एक लाइन यहां खींची एक लाइन यहां खींची okay. और B के बीच का एंगल कितना था थीटा था क्या मैंने बी को टिल्ट किया है नहीं तो यह एंगल भी कितना होगा थीटा होगा यह बन गया थीटा ये बन गया थीटा ये अगर बी है तो ये बी का साइन थीटा ये बी का कॉस थीटा कैसे सर रिजोल्व करना सिखाऊंगा वैसे तो सेपरेटली लेकिन फिर भी मैं रिजोल्व करना बता देता हूं क्योंकि आज भी 90 परसेंट बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा साइन कौन सा कॉस तो एक बार बता रहा हूं ध्यान से सुनना ये ए है ये थीटा है ठीक है सर आप ट्राइंगल कंप्लीट करो आप ट्राइंगल कंप्लीट करो ऐसे इस हिस्से को मैं एक्स कॉम्पोनेंट कह रहा हूं इस हिस्से को मैं A का वाई कॉम्पोनेंट कह रहा हूं सामने वाला हिस्सा ए का वाई कंपोनेंट, ठीक है ये ए है ये ए का एक्स कंपोनेंट, ये ए का वाई कंपोनेंट। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ द एंगल थीटा को हम लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस यानी ए वाई डिवाइडेड बाय ए ठीक है और कॉस थीटा को आप लिख सकते हो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटीनियस यानी ए डिवाइडेड बाय ए तो ay को आप क्या लिख सकते हो ay को आप लिख सकते हो यानी जो एंगल के सामने वाला कॉम्पोनेंट है ना उसको आप लिख सकते हो ए साइन थीटा और जो ए एक्स है उसको आप लिख सकते हो A cos थीटा ठीक है ए साइन थीटा और ए थीटा ठीक है ओके okay, सर तो यहां पे अगर ये बी वेक्टर है ये वेक्टर अगर आपके सामने बी वेक्टर है एंगल के सामने वाला साइन एंगल के साथ वाला कॉस बहुत बढ़िया अब यहां पे आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम यहां पे आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वेयर बराबर बी साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर और जो नेट एक्सप्रेशन आएगा वो मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट आएगा इतना कितना रूट ओवर ए करके देख लेना प्लस बी ए बी कॉस ऑफ एंगल थीटा ओके एंगल भी निकालना है हमको कौन सा एंगल वो एंगल जो के रिजल्टेंट बना रहा है बेस के साथ उसको हम अल्फा कह रहे हैं वो बन जाएगा अपोजिट अपॉन बेस यानी के बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा बहुत शानदार बहुत बढ़िया मजा आ गया ओके चलिए इसमें थोड़ा साइड में है इसको अच्छे से नोट कीजिए साइड में हट रहा हूं इसको अच्छे से नोट कीजिए लिखिए इसको जल्दी चलो डंडन डंडन हो गया आइए बातें बढ़ाते हैं आगे चर्चा बढ़ा दी जाए आगे एक सिंपल सा सवाल आपके सामने आ रहा है पढ़ो जरा इसको क्या कहता है सिक्स वेक्टर्स ए टू एफ है मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है इनपे वेक्टर की साइन भी आएंगी उसने क्या बोला है? Six vectors, A to F. मतलब वो by default, उसने क्वांटिटीज ही बनाई है बट स्टिल मैं ये सिंबल्स बना रहा हूं इनपे ठीक है अब आप बताइए इनमें से क्या पॉसिबल है पहला कहता है b प्लस सी बराबर एफ पहला कहता है कि b प्लस सी बराबर एफ बी कहा है ये b है ठीक है ये बी है बी को ले जाओ ये है बी सी कहां है सी इधर है सी इधर है ओके डायरेक्शन से खेलो सिर्फ अब अगर आप बी और सी का रिजल्टेंट लेते हो अगर आप बी वैक्टर और सी वैक्टर का रिजल्टेंट लेते हो तो वो कहां आएगा वो कुछ यहां आएगा ना वो कुछ यहां आएगा और F कहां है F तो इधर है F किधर है F तो इधर है <सलगत> F तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ. F तो इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है तो ये बात गलत है ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट अरे रे रे रे, रे। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? दिस स्टेटमेंट इज wrong. अगला d plus c बराबर f, आइए देखते हैं, ये है d, ये है d बना दिया मैंने d, और ये है c, तो ये बना दिया मैंने c इधर, ये है d और ये है c, ये रहा d, ये रहा d, d d d d d d vector, okay, और ये रहा c वेक्टर एफ कहां बता रहा है एफ इधर बता रहा है लेकिन एफ तो एक्चुअल में इधर जा रहा है यार तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्सवा है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्सवा ओके डी प्लस ई बराबर एफ डी किधर है डी ऊपर है डी किधर है डी ऊपर है ओके okay. और ई e किधर है ई e लेफ्ट में है हा तो इनका रिजल्टेंट अरे प्यारे इनका रिजल्टेंट इनका रिजल्टेंट ये डी और ये ई e. बराबर एफ ओ oh, हो 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 ये सकता है यहां पे इनका रिजल्टेंट इधर आ सकता है बी प्लस एफ बी दिस इज ओनली पॉसिबल आंसर कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं।, नहीं है चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे पैरलोग्राम लॉ वही बात है जो हमने देखी थी क्या किया हमने हमने कहा कि अगर ये ए वैक्टर है और ये बी वैक्टर है ये ए वैक्टर है और ये बी वेक्टर है आप इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए आप पैरलेलोग्राम कंप्लीट कीजिए आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो डायगोनल होगा वही होगा क्या वही होगा रिजल्टेंट वही होगा रिजल्टेंट ठीक है तो आपने ये कह दिया कि जो डायगोनल है दैट इज ओनली द रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन एक बार फिर से लिख रहा हूं बोलो जरा क्या था बोलो 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 जल्दी बोलो क्या था ए स्क्स बी स्क्स टू ए बी कॉस्ट ऑफ देंगल बिटवीन ए एंड बी बार बार मैं इसलिए लिखता हूं चीजों को क्योंकि कई बार कोई टर्म मिस हो जाती है कुछ हो जाता है तो दिमाग में कंफ्यूजन आता है लेकिन आप बार बार जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो अभी मैंने कहा एंगल बिटवीन द वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चे एंगल में कंफ्यूज होते हैं वो बोलते हैं कि सर एल्फा कौन सा था एल्फा वॉज नॉट एंगल बिटवीन द वेक्टर एल्फा रिजल्टेंट और बेस का एंगल है और उसका उसका रिजल्ट आपने लिखा था अभी ये लिखा था आपने क्या लिखा था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा बोलो हाँ ना लिखा था हाँ जी सर बिल्कुल 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 पॉलीगॉन लॉ देख चुके हैं चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप ए प्लस बी की चर्चा करो या तो बी प्लस ए की चर्चा करो ये दोनों सेम बातें हैं अच्छा आप ए प्लस बी निकालो आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ए प्लस बी करके निकालो या बी प्लस ए करके निकालो रिजल्ट सेम होने वाला है ठीक है इट िएटिव एसोसिएटिव एसोसिएटिव क्या होता है एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जब आप ए प्लस बी प्लस सी करना चाह रहे हो तो दो तरीके ना क्या बी प्लस सी का रिजल्टेंट निकाल, निकाल लो और फिर उसका ए के साथ लो या तो आप क्या कर सकते हो या तो आप ए प्लस बी का निकाल के या तो आप ए प्लस बी का निकाल के सी के साथ रिजल्टेंट ले सकते हो मतलब आप ए प्लस बी प्लस सी करो आप ए प्लस बी प्लस सी करो या तो आप ए प्लस बी प्लस सी करो कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है सो दिस इज आल्सो एसोसिएटिव रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ अनईक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो सिर्फ अगर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि संसार में आपने सिर्फ दो वैक्टर ले लिए ए वैक्टर और बी वैक्टर तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर ए और बी है तो अगर ये अन एकवल है क्या मतलब है सर दूसरा फोर्स साढ़े तीन न्यूटन का है या तो एक फोर्स दो न्यूटन का है दूसरा फोर्स थ्री न्यूटन का है अब आप दूसरा फोर्स कहीं भी लगा लो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ कहीं भी लगाओ यार कहीं भी लगाओ अगर ये फोर्सेस बराबर नहीं है तो दो फोर्स मिलकर कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं दे सकते वही लिखा है मैंने यहां पे। अगर फोर्सेस अनइक्वल है तो इनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता ठीक है ओके मिनिमम थ्री अनइक्वल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम कम से कम तीन अनइक्वल वेक्टर्स चाहिए तीन अलग अलग वैल्यू ऑफ वैक्टर्स चाहिए किस लिए रिजल्टेंट को जीरो बनाने के लिए किस लिए रिजल्टेंट को जीरो बनाने के लिए मतलब अगर ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है इस पर कितने फोर्सेस लग सकते हैं अलग अलग कितने फोर्सेस कम से कम कितने फोर्स चाहिए रिजल्टेंट जीरो लाने के लिए कम से कम तीन फोर्स चाहिए मतलब मान लो कि ये दो फोर्स लग रहे हैं ये दो फोर्स लग रहे हैं एफ वन और एफ टू तो जो एफ थ्री होगा ना वो इनके रिजल्टेंट के अपोजिट होना चाहिए वो इनके रिजल्टेंट के अपोजिट होना चाहिए मतलब मान लो कि ए और बी का रिजल्टेंट कुछ यहां है एफ वन एफ टू का, कुछ यहां, है, 1, 2 का यहां, है, तो यहां लगना चाहिए इनके रिजल्टेंट के अपोजिट तो मिनिमम तीन फोर्सेस चाहिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने महत्वपूर्ण डिस्कशन है ये ठीक है I hope के बिल्कुल ठीक है।, है? है ना गुरु? ओ हेलो 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 चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। लिख लो ले लो ले जो करना है करो। okay, so here go. इसी चर्चा पे एक सिंपल सा सवाल आपके सामने आ गया पढ़ो जरा क्या कह रही है How many minimum number of वही तो बात ही है अरे वही तो वही तो बात है मिनिमम कितने होने चाहिए मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं चार का भी जीरो हो सकता है पांच का भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है मिनिमम कितने को वेक्टर्स चाहिए तीन चाहिए हाँ ये बात भी इंपॉर्टेंट है को होने चाहिए क्या मतलब है इस बात का इस बात का मतलब है ये थ्री में समझाता हूँ थ्री में समझाता हूँ ठीक है थ्री में समझाता हूँ ये एक गेंद रखी हुई है आपने इस पे दो फोर्सेस लगाए यहां और यहां ये यह सेम प्लेन में ठीक है लेकिन तीसरा फोर्स जो था ना ये आपने लगाया, ये प्लेन है, दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन ठीक है समझना ये रही एक्स एक्सिस रही वाई एक्सिस ठीक है और ये इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर जेड एक्सेस तो आपने दो फोर्स तो इस प्लेन में ही लगाए लेकिन तीसरा फोर्स आपने प्लेन से बाहर लगा दिया तो ये कभी भी इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं कर सकता तो आपको मिनिमम कितने फोर्स चाहिए तीन चाहिए और वो कहा चाहिए कहां चाहिए को प्लानर कैसे होने चाहिए को प्लानर होने चाहिए कैसे होने चाहिए यहां पे लिख देता हूं को प्लानर सेम प्लेन में होने चाहिए सेम प्लेन में होने चाहिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार आइए चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की कुछ महत्वपूर्ण केस मैं आपके सामने बता रहा हूं देखते चलना आप मुझे बताओ सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है का एक बार और लिख देते हैं रूट ओवर बताइए हैं ए और बी सो दिस वॉज रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्स टू ए बी कॉस ऑफ बिटवीन ए एंड बी यही था बिल्कुल यही था अब यदि मान लो कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो नब्बे डिग्री है दोनों के बीच में जो एंगल है वो नब्बे डिग्री है तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली याद रख सकते हो दोनों फोर्स बराबर हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट आएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा रूट ओवर ए यानी एफ स्क्वायर प्लस बी यानी एफ स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस नाइनटी कॉस नाइनटी की वैल्यू होती है जीरो तो ये आ रहा है √2 टाइम्स ऑफ f ठीक 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 ओके okay, सर दूसरी बात कि मान लो इनके बीच का जो एंगल है इनके बीच का जो एंगल है ये साठ डिग्री है 60 डिग्री ये दो फोर्सेस आपने बना दिए f और f ये दो फोर्सेस आपने बना दिए f और f और इनके बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी रिजल्टेंट की वैल्यू होगी रूट ओवर ए स्कोर प्लस बी स्क्स टू ए बी कॉस ऑफ सिक्स की वैल्यू होती है वन बाई टू कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू ठीक है तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है रिजल्टेंट आ रहा है रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ रिजल्टेंट आ रहा है रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ ओके ठीक है सर बहुत बढ़िया ये कुछ चीजें आप डायरेक्टली याद रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होंगी ठीक अब देखिए दो फोर्सेस अगर आपने 120 डिग्री पे लगा दिए दो बराबर फोर्स यदि आपने 120 डिग्री पे लगा दिए F1, F2 बराबर हैं और एंगल आपने ले लिया 120 डिग्री एंगल आपने ले लिया 120 डिग्री 120 डिग्री तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा रिजल्टेंट आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस वन ट्वेंटी कॉस वन ट्वेंटी की वैल्यू माइनस वन बाई टू होती है तो ये बन गया टू ए बी इंटू माइनस वन बाई टू तो टू से टू मर गया एफ स्क्वायर एफ उड़ गए तो रिजल्टेंट एफ के बराबर आएगा मजेदार बात है एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर रिजल्टेंट कितना आ रहा है रिजल्टेंट एफ के बराबर आ रहा है रिजल्टेंट कितना आ रहा है रिजल्टेंट एफ के बराबर आ रहा है मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ 120 डिग्री पे रिजल्टेंट 10 ही मिलेगा इंटरेस्टिंग बात बिल्कुल चलिए एक और बात एक और बात अब कौन सा एंगल ले लूं अब हम लोग ले लेते हैं चलो मैक्सिमम मिनिमम की चर्चा कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब लगेगा रिजल्टेंट मैक्सिमम कब लगेगा मैक्सिमम तब लगेगा जब एंगल जीरो होगा दोनों फोर्सेस के बीच में मतलब ये आपने दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगा दिए ये दोनों फोर्सेस आपने सेम डायरेक्शन में लगा दिए ये दोनों फोर्सेस आपने एफ वन और एफ टू सेम डायरेक्शन में लगा दिए ठीक है तो दो बराबर फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है वो हो सकता है रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी टू ए बी कॉस जीरो जीरो की वैल्यू होती है कितनी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है इसको ऐसे लिख देते हैं अलग अलग ही लेते हैं फोर्सेस को टू ए बी कॉस जीरो जीरो की वैल्यू वन तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस जीरो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है एफ वन प्लस एफ का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कटा तो मैक्सिमम कितना हो सकता है मैक्सिमम f1 वन प्लस एफ हो सकता है सीधी सी बात है दो फोर्सेस जब आप बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट देंगे ओके okay. मिनिमम कितना दे सकते हैं जीरो नहीं उससे भी कम दे सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप नेगेटिव कंसिडर करते हो तो मिनिमम मिनिमम कब होगा मिनिमम तब होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में लो एक डिग्री पे लो कॉस वन एट्टी की वैल्यू माइनस बन जाएगी तो डायरेक्टली आप यहां पर लिख सकते हो रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर यानी एफ वन माइनस एफ टू तो ये है वैल्यूज ऑफ आर मैक्स एंड आर मिन ये है वैल्यूज ऑफ आर मैक्स एक एंड आर मिन ये है वैल्यूज किन की मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट्स की ठीक है गुरु क्लियर है क्या बात चर्चा 100% क्लियर है क्या चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी वेरी नाइस लिख लो साइड में हट रहा हूं महत्वपूर्ण बात है अच्छे से लिखे होने चाहिए केसेस चलो तो इसी बात पे कुछ सवाल करते हैं पहला सवाल आपके सामने आ रहा है ये रीड करो जरा सवाल को क्या कह रहा है 100 कोप्लेनर फोर्सेस ईच इक्वल टू तो 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ईच फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 50 पाई बाय 50 पाई बाई फिफ्टी पाई बाई 50 पाई बाई फिफ्टी अगर आप करते हो तो 100 फोर्स मिलके कितना बना लेंगे ये देखते हैं कितने फोर्स बोले 100 ना तो पाई बाई फिफ्टी जो है कितने फोर्स हैं इसे 100 एक फोर्स दूसरे फोर्स से पाई बाई फिफ्टी का एंगल बना रहा है एक फोर्स दूसरे फोर्स से पाई बटा पचास का एंगल बना रहा है समथिंग लाइक दिस ठीक है इसको मैं थीटा कह देता हूं तो सौ फोर्स कुल मिला के कितना एंगल बना देंगे कुल मिला के कितना एंगल कर देंगे पाई एंगल कर देंगे। अच्छा 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 मतलब मतलब के ये जितने भी फोर्स होने वाले हैं मतलब है, उनको आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो समथिंग लाइक दिस यू कैन रिप्रेजेंट दीज फोर्सेस समथिंग लाइक दिस आप इन फोर्सेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते ठीक है? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो देख रहे हो ये सभी फोर्सेस आप कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो थोड़ा सा मैंने अनसीमेट्रिक बनाया, लेकिन बिल्कुल सिमेट्रिक है वो तो देख के हम बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होने वाला है हर फोर्स का एक काउंटर एलिमेंट अवेलेबल है हर फोर्स का एक काउंटर एलिमेंट अवेलेबल क्या जुड़ क्यों नहीं रह रही? जुड़ जा हर फोर्स का एक काउंटर एलिमेंट अवेलेबल है मतलब अगर ये फोर्स एफ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एफ अवेलेबल है तो रिजल्टेंट सबका मिलके कितना बन जाएगा जीरो बन जाएगा ठीक है किस, किस ने जीरो लिखा था चैट में बताना अपने नाम मुझको मैं देखना पसंद करूंगा कि आप लोग किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो ड्यूरिंग द लेक्चर एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने है सभी बेसिकली हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं सवालों के जरिए विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू न्यूटन कौन से दो पेयर कौन से दो फोर्सेस कभी मिलके दो न्यूटन नहीं बना सकते दो और दो सर अभी तो आपने बताया कि यदि F और F को आप 120 डिग्री पे लगा दो यदि F और F को आप 120 डिग्री पे Align कर दो तो इस situation में जो रिजल्टेंट होता है वो two, वो वो टू ही बनता है 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 जो होता है, वो F के बराबर आता है. तो ये तो हो सकता है ये तो दे सकता है, ये 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 तो तो दे दे सकता सकता है 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 ठीक पूछ रहा यार क्या मतलब मतलब यार क्या ही बात हो गई तो क्या ही ऑप्शन दे दिया वन ये तो ये ये प्लस बना कैसे बनाएगा सर तीन न्यूटन इधर ले लो और एक न्यूटन पीछे ले लो तो ये F1 आपने ले लिया तीन ये आपने ले लिया वन तो रिजल्टेंट आपको दे दिया टू ठीक है एक और चार अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको सुनना जरा ध्यान से ये एक सवाल नहीं है कॉन्सेप्ट है एक ऐसा फोर्स एक ऐसा फोर्स जैसे मानो आपने ले लिया F1 को वन एक, एक वैक्टर को आपने वन ले लिया एक वैक्टर को फोर ले लिया अब आप ये बताइए कि इनका मैक्सिमम कितना हो सकता है सर इनका जो मैक्सिमम है हाँ वो कितना हो सकता है सर इनका मैक्सिमम हो सकता है फोर प्लस वन कितना होता है वो गुरु वो पांच होता है पांच और इनका जो मिनिमम है इनका जो मिनिमम है वो होता है कितना वो होता है चार माइनस एक है ना या तो एक माइनस चार मैग्नीट्यूड वाइज तीन ही आएगा अच्छा और जो आपको वैल्यू दे के रखिए ना वो इसकी रेंज में नहीं है वो तीन और पांच के बीच में नहीं आती है टू थ्री और फाइव के बीच में नहीं आता है थ्री फोर फाइव टू नीचे आता है तो ये कभी टू नहीं दे सकता ये आप याद रख लेना आपसे अनगिनत सवाल बन जाएंगे पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ठीक है एग्जामिनर को पसंद है ये टाइप ये लो एक और सवाल इस पे दे दिया एक और सवाल दे दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू आर मैग्नेट्यूड ऑफ थ्री फोर्सेज इन न्यूटन एक्टिंग साइमल्ट सेट फॉर ऑन द बॉडी कैन बी जीरो हो सकता है अब देखो यार देखो जरा पहली सिचुएशन में आठ और दो एक साथ आपने लगा दिए आठ और दो एक साथ आपने लगा दिए अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो दस अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो दस आठ और दो दस ये नेट जीरो बना सकता है बिल्कुल बना सकता है पंद्रह तीस और चौदह ध्यान से सुनना फिफ्टीन थर्टी और फोर्टीन आप क्या करो जो छोटे वाले ना उनको एक साथ लगा दो लगा दिए आप क्या करो जो छोटे वाले ना चौदह और पंद्रह एक साथ लगा दो ठीक है सर लगा दिए चौदह और पंद्रह मिलके भी कुल मिला के कितना बना सकते हैं ट्वेंटी बना सकते हैं और दूसरी तरफ जो फोर्स बैठा है वो कितना है वो तीस है तो ये कभी रिजल्टेंट जीरो नहीं दे सकता किसी भी सिचुएशन में नहीं दे सकता ठीक है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम से भी ज्यादा है तो ये कभी नेट जीरो नहीं दे सकता आंसर मिल गया बाकियों को भी चेक करते हैं फोर्टी नाइनटीन एंड सेवनटीन ये कह रहा है विच कैन can... अच्छा इसने तो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट न बी जीरो मतलब ये तो मिल गया आंसर हमारा ये है इसने पूछा था कौन दे सकता है तो ये दे सकता है जीरो ये तो पहले ही मिल गया था हमको अब इनमें सबसे चालीस से छोटा मतलब और सेवनटीन सॉरी नॉट फोर्टीन इनको मिला भी दो तो ये चालीस से छोटा होता है आप दस और पंद्रह मिला भी दो तो वो तीस होता है और आपको दूसरी तरफ पैंतीस दे के रखा हुआ है तो सीधी सी बात है कि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्पल की बात कर लो सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कि रिजल्टेंट जीरो दे सकता है और वो आपके सामने है। बहुत बढ़िया चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे जरा सवाल बराबर Q vector, vector, यदि क्यू वेक्टर के बराबर है तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है सबसे पहली बात तो इनके जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होने चाहिए हा सर होने चाहिए इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो बराबर होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए तो इस पर आपने टिक लगा दिया ये सही है इसने नॉट पूछा है तो आंसर चलो टिक नहीं लगाता हूं वरना क्या करेंगे ना लोग इसी को तुरंत मार्क कर देंगे इनके डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए तो पी कैप बराबर क्यू कैप भी होना चाहिए ये भी सही है अब ये बात प्रोजेक्शन की है ये बात प्रोजेक्शन की है ठीक है पी डॉट क्यू कैप बताता हूं बताता हूं सुनो ये बात प्रोजेक्शन की अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि अभी प्रोजेक्शन मैंने आपको सिखाया नहीं है प्रोजेक्शन क्या होता है प्रोजेक्शन ये होता है अगर ये एक वेक्टर है मैं इसके प्रोजेक्शन की बात करूं किसी भी एक्सिस पे ये एंगल थीटा है ये ए है और ये बी है बी ठीक है तो ए का प्रोजेक्शन बी पे ए का प्रोजेक्शन बी पे ए का प्रोजेक्शन किस पे बी पे बन जाएगा ए डॉट बी कैप यानी ए डॉट बी कैप ए बी कैप ए बी कैप cos थीटा या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए कॉस्टा इंटू बी कैप अभी सिखाऊंगा ये मैं प्रोजेक्शन थोड़ी ही देर के बाद मैं सिखाऊंगा डिटेल में इसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें ए का वो हिस्सा जो बी क्या है वो कितना है वो ए थीटा है और डायरेक्शन क्या होगी उसकी बी कैप होगी तो ए एक थीटा बी कैप ठीक है अभी ये मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं चलो छोड़ने की भी जरूरत नहीं है आंसर वैसे आपको मिल चुका है आंसर आपको मिल चुका है पी और क्यू सेम डायरेक्शन में है तो आप पी इंटू क्यू कैप लिखो यानी पी का मैग्नीट्यूड क्यू की डायरेक्शन क्यू डॉट पी कैप लिखो यानी क्यू का मैग्नीट्यूड पी की डायरेक्शन पी और क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में पी और क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है

अगला सवाल आपके सामने है ये शांति से पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है एंड एक्ट ऑन पॉइंट पॉइंट मास मास एक पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 और, F2 और उनकी आपको रखी है कैसी उनकी डायरेक्शन आपको देके रखी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर उनकी डायरेक्शन आपको दे के रखी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा रूट ओवर ए स्क्वे प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कॉस नाइनटी यानी रूट ओवर एफ वन प्लस एफ टू स्कोर ठीक है ठीक चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अट वैक्टर मैग्निट्यूड ऑफ द डिफरेंसिस अच्छा 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 डिफरेंस ऑफ वैक्टर तो आपने सिखाया नहीं तो ये लिखा है ना यहाँ पे सब इसके बाद करेंगे थोड़ी सी देर रुक जाओ ठीक है चलो पढ़ो जरा ये टू इक्वल पी ईच एक्ट ऑन पॉइंट इलाइंड टू ई अदर एट वन ट्वेंटी डिग्री द रिजल्टेंट अब आप बता चुके हो आपको देखते से ये बता देना चाहिए कि रिजल्टेंट पी रहेगा वन ट्वेंटी डिग्री पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं ठीक चलो चर्चा बढ़ा रही हैं आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मास्टर आपने अभी हमको क्या सिखाया आपने हमको सिखाया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी मान लो ये ए वेक्टर है ओके okay. ठीक है ये बी वेक्टर है ओके तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट जो होगा वो कहां होगा प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा वो कुछ इधर होगा रे इधर होगा इधर किधर होगा किधर इधर होगा और उस रिजल्टेंट को आप क्या लिखेंगे उस रिजल्टेंट को आप लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा ठीक है कॉस ऑफ थीटा ये एंगल बन गया थीटा बहुत बढ़िया बहुत शानदार ठीक है अब अगर आप ऑफ की बात करते हो अब अगर आप ऑफ की बात करते हो यानी आप A -B की बात करते हो आप ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर की बात करते हो तो मैं एक ही बात बोल रहा हूं इसको कंसिडर ही मत करो सब्ट्रैक्शन आप इसको रीड ही मत करो ऐसे आप पता क्या रीड करो इसको आप इसको ऐसे रीड करो दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट ए प्लस माइनस बी ओ हो हो सर क्या बड़ी अलग बात लिख दी आपने इसमें क्या मैं थ्री माइनस टू को थ्री प्लस माइनस टू लिख सकता हूं सर कौन सी बड़ी महान बात कह रहे हो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मतलब बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है बड़ा तो क्या बड़ा छोटा क्या ही होता है मजेदार कॉन्सेप्ट है आपको किसका रिजल्टेंट निकालना है पहले आपको ए और बी का सब्ट्रैक्शन करना था अब सिर्फ ये एक छोटी सी हरकत करके हमने पूरा खेल चेंज कर दिया हमने माहौल चेंज कर दिया हमने जज्बात चेंज कर दिए अब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं किन वेक्टर्स का अब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ए और माइनस बी वैक्टर का ओ हो 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 अब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ए और माइनस बी वैक्टर का ए वैक्टर कहाँ है ए वैक्टर है ये रहा ये रहा ए वैक्टर बी वैक्टर कहां है ये है बी वैक्टर क्या हम ए और बी का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं कतई भी नहीं हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट ए और माइनस बी का अब हम किस किस का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं अब हम और B, हाँ, हाँ, ए और बी ना ना फिर माइनस बी हा हा यस ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल रहे हो गुरु तो पहले आपका जो एंगल था वो कितना था पहले अगर आपका एंगल थीटा था तो अब आपका एंगल कितना बन गया 180 माइनस थीटा खेल खत्म पैसा हजम खेल खत्म पैसा हजम कैसे क्या चेंज आएगा थोड़ा लॉजिक से बताओ यहां पे आपने एक्सप्रेशन ये लिखा था यहां पे आपने एक्सप्रेशन ये लिखा था रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का का एक्सप्रेशन मेरे भाई आपने ऐसा लिखा था बिल्कुल सर यहां पे क्या अंतर आ जाएगा सर क्या आएगा अंतर थोड़ा सा बताओ ना तुम सोच के बताओ मैं तो बता ही रहा हूं मैं पानी पी लेता हूं तब तक एक घूट सोच के लिख लो फिर चर्चा करते हैं हम्म hmm. hmm. एक ही अंतर आ रहा है क्या डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड तो बराबर है बिल्कुल बराबर है तो अगर रिजल्टेंट पहले रिजल्टेंट पहले यहां था तो क्या अब यहां हो जाएगा हाँ पहले इधर था इनके बीच में अब इधर होगा इनके बीच में तो ए और बी का रिजल्टेंट जो है ना ए और बी का रिजल्टेंट जो है पहले यहां था रिजल्टेंट आर इस बार कहा बनाओगे रिजल्टेंट ये बना दिया आपने रिजल्टेंट इस बार ये बना दिया आपने रिजल्टेंट इस बार ठीक है ये बना दिया मैंने आर और आर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा रूट ओवर रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेर माइनस टू ए बी ऑफ़ एंगल थीटा माइनस टू ए बी कॉस ऑफ दी एंगल थीटा ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत शानदार चर्चा बढ़ाई जाए आगे तेज रफ्तार में अब आओ जरा पढ़ो सवाल मजेदार सवाल है अच्छे से पढ़ो ये लॉजिक ये लॉजिक बच्चों का पीछा

नॉर्थ जा रहा था अब वेस्ट जा रहा है नॉर्थ जा रहा था अब वेस्ट जा रहा है नॉर्थ जा रहा था अब वेस्ट जा रहा है इनिशियल स्पीड इनिशियल स्पीड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन लिख दी नॉर्थ डायरेक्शन लिख दी क्या लिख दी नॉर्थ लिख दी बहुत शानदार फाइनल स्पीड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन लिख दे वेस्ट लिख दी बहुत शानदार सर बना के दिखा दो बना के दिखा देते हैं बना के दिखा देते हैं ये जा रहा है ट्रक नॉर्थ अब जा रहा है ट्रक वेस्ट ठीक है ये जा रहा है ट्रक नॉर्थ अब जा रहा है ट्रक वेस्ट ओके आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना भाई साहब चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होती है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल तो सर क्या बीस माइनस बीस कर दे जीरो कर मत देना कर मत देना मार पड़ेगी वेक्टर इन लपाड़ा पड़ेगा तड़ाक से ये वेक्टर वेक्टर अरे बेटे वेक्टर है वेक्टर भैया वेक्टर क्वांटिटी है चेंज इन क्या निकाल रहे हो चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हो चेंज इन स्पीड नहीं निकाल रहे चेंज इन वेलोसिटी पूछिए डायरेक्ट तो, तो माइनस नहीं कर सकते लेकिन सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाया नहीं आपने सवाल पूछ रहे हो अरे अभी तो बताया कि इसको रीड कर ले कैसे रीड कर ले? ओ प्यारे, इसको रीड कर इसको रीड करो एज वी एफ प्लस माइनस वी आई वी एफ प्लस माइनस वी आई अब अगर ये वी एफ है और ये वी आई है तो माइनस वी आई है माइनस वी आई यहां है माइनस वी आई कहां है माइनस वी आई यहां है माइनस वी आई कहां है माइनस वी आई यहां है ठीक है वी आई ऊपर माइनस वी आई नीचे आपको किस किस का रिजल्टेंट निकालना, निकालना है आपको रिजल्टेंट निकालना है आपको रिजल्टेंट निकालना है वी एफ और माइनस वी आई का आपको रिजल्टेंट निकालना है वी एफ और माइनस वी आई का मैग्नीट्यूड कई बार बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्शन में फंस जाते हैं डायरेक्शन क्या बनेगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट इनमें से एक ऑप्शन साउथ वेस्ट होगा इनमें से एक ऑप्शन साउथ वेस्ट होगा इसको हम साउथ वेस्ट कर रहे हैं ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक है दोनों जगह नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ डायरेक्शन साउथ वेस्ट आएगी और मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो तो आसान है वो तो तुम यूं ही बता दोगे मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो तो तुम ऐसे ही बता दोगे वो तो मेरे भाई तुम ऐसे ही बता दोगे कैसे ऐसे बता दोगे माइनस टू ए बी कॉस नाइनटी जीरोक्टली बना रूट ओवर टेन स्क्वायर नहीं ट्वेंटी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी का स्क्वायर कितना बन गया ट्वेंटी रूट टू और डायरेक्शन क्या बता दिया आपने साउथ वेस्ट इसको अच्छे से लिख देता हूं शब्दों में डायरेक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है साउथ वेस्ट ठीक है दिस इज नोट कर लो हाँ गुरु ठीक है मजेदार इंटरेस्टिंग ओके सर ठीक है अगला सवाल पढ़ो जरा क्या कह रहा है सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स फ सम ऑफ टू यूनिट वैक्टर्स इज अट वैक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस क्या कह रहा है ये ये कह रहा है कि ए कैप प्लस बी कैप का जो सम है वो कितना है वो खुद भी यूनिट वेक्टर है यानी मैग्नीट्यूड वाइज ए और बी और सी आपस में बराबर है ऐसा कब हो सकता है कि दो बराबर वेक्टर को ऐड करके बराबर वेक्टर आप ले आओ ये तब हो सकता है ये तब हो सकता है जब एंगल बिटवीन ए और बी कितना लिख दो ये तब संभव है जब एंगल बिटवीन ए और बी कितना हो 120 डिग्री हो जब एंगल बिटवीन ए और बी 120 डिग्री हो ठीक है ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री अगर होगा तो ऐसी प्रक्रिया होगी अब आपने यह बना दिया ए ठीक है सर आपने यह बना दिया बी ओके सर मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है ओके ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल कितना है इनके बीच का इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री 120 डिग्री ठीक है अब यह क्या कह रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मतलब अब अगर आप इनकी बात करो अब अगर आप निकालना चाहो क्या निकालना चाहो अब अगर आप निकालना चाहो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर ही है ये ये अगर आप निकालना चाहो तो कितना बनेगा कितना बनेगा कैसे निकालेंगे एंगल कितना बन जाएगा इनके बीच का एंगल कितना बन जाएगा इनके बीच का इनके बीच का एंगल बन जाएगा साहठ डिग्री ओहो इनके बीच का एंगल बन जाएगा सिक्सटी डिग्री क्या लिख दोगे आप रिजल्टेंट इनका रिजल्टेंट लिख दोगे रूट ओवर ए स्क्वेर रूट ओवर ए स्क्वेयर ठीक है ये बी क्या ये बी है ये माइनस बी है ये बी है और ये माइनस बी है ठीक है रिजल्टेंट लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेर प्लस टू ए बी कॉस सिक्सटी जो के होता है वन बाय टू कॉस सिक्सटी जो के होता है वन बाय टू अरे बोलो यार हाँ जी सर तो रिजल्टेंट कितना आ गया रूट थ्री आ गया यही पूछ रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ये निकाल दिया आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ठीक है रिजल्टेंट आंसर है मजेदार सवाल है सारे कॉन्सेप्ट है दीज आर नॉट जस्ट क्वेश्चन दीज आर कॉन्सेप्ट बार बार मैं कह रहा हूं गिनती के ये कुछ जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना ये कर लो आप दुनिया में जीवन में कोई एग्जाम हो उसमें कभी नहीं अटकोगे आप वैक्टर्स में ठीक है चलो पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है ये द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स एंड सेवन क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मैक्सिमम आरमैक्स कितना है सत्रह है आरमैक्स होता क्या है आरमैक्स होता है ए प्लस बी और ये कितना दे के रखा है ये सत्रह दे के रखा है आरमिन मिनिमम min, कितना होता है ये होता है a माइनस बी और ये कितना देके रखा है ये सात देके रखा है बहुत बढ़िया इफ दिस टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी यार देखो क्या कह रहा है ये अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से नब्बे डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा क्या किया जाए दोनों इक्वेशन को एडअप कर दो ए प्लस ए यानी टू ए की वैल्यू आपने कितनी लिख दी सत्रह और सात कितना बन जाएगा चौबीस ठीक है ए की वैल्यू आ गई बारह ए की वैल्यू आ गई बारह बहुत शानदार बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए की वैल्यू बारह यहां पर रखो कहीं पर भी रख दो यहां पर रख दो बारह बी की वैल्यू पांच आ जाएगी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पांच बी की वैल्यू बता दी पांच ठीक है तो ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई हाँ जी सर मिल गई अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर को कहा लगा दो नब्बे डिग्री पे लगा दो एक बारह एक पांच एक बारह एक पांच तो रिजल्टेंट कितना बन डंडन दंदन, बहुत बढ़िया सर मजा आ गया क्या बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ समू वैक्टर्स इक्वल्स टू मैग्निट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर तो मैग्निट्यूड ऑफ सम क्या होता है रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा ओके इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए माइनस सॉरी माइनस टू ए बी कॉस थीटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्कवायरिंग करो कर दी काटो कट गया कट गया कट गया, कट गया। बहुत बढ़िया बहुत शानदार ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी थीटा फोर ए बी कॉस ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू जीरो क्या पूछा है आपसे इसने एंगल बिटवीन द वेक्टर पूछा है ना तो फोर ए तो जीरो है नहीं ना फोर जीरो है ना ए जीरो ना बी जीरो कॉस थीटा जीरो यानी थीटा बराबर नाइनटी आ गया आपके सामने आंसर नब्बे डिग्री ओके 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 चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे चर्चा बढ़ाते हैं आगे एक और मजेदार चीज आपके सामने आ रही है रिजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर यानी वैक्टर के कॉम्पोनेंट इसमें बहुत बच्चे उलझते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को इसमें मैंने उलझते देखा है कई बच्चों को इसमें उलझते देखा है जस्ट अ सेकेंड चलिए धन्यवाद आइए क्या कह रहे हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर यानी कॉम्पोनेट में ब्रेक करना देखो बात ऐसी ना किसी वेक्टर को तो आप किन्हीं भी दो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हो किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसको रिजोल्व कर सकते हो क्या मतलब है इस बात का इस बात का मतलब यह है कि जो मैंने वैक्टर बनाया है अभी इसको अगर मैं चाहूं तो नॉर्मली जैसा कि हम और एक्स एक्स और वाई में करते हैं मैं इसको एक्स और वाई एक्सेस में एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता हूं यानी इसके कंपोनेंट्स ले सकता हूं एक्स और वाई डायरेक्शन में ठीक है तीके? इसको कहते हैं एक्स और वाई में रिजोल्व करना ये जो वेक्टर हमने बनाया है ना इसको हम एक्स और वाई में रिजोल्व कर सकते हैं एक्स और वाई में रिजोल्व कर सकते हैं लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसी में रिजोल्व करो आप चाहो आप अगर चाहो तो एक्स डैश और एक्स डैश और थोड़ा सा और परपेंडिकुलर करना पड़ेगा ये वाई डैश यहाँ पे भी रिजोल्व कर सकते हो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं ठीक है थीके? आप इसको एक्स डैश और वाई डैश में भी रिजोल्व कर सकते हो आप इसको इस एक्सिस और इस एक्सिस ये दोनों जितनी लाइन में एक कलर की बना रहा हूं ना वो परपेंडिकुलर है आपस में जितनी लाइन में सेम कलर की बना रहा हूं वो परपेंडिकुलर है आपस में इनके अलॉन्ग भी रिजोल्व कर सकते हो मतलब समझ में आ रहा है मतलब एक प्लेन में रिजोल्व करने के लिए हमको कितनी एक्सेस चाहिए दो एक्सेस चाहिए लेकिन ये बिल्कुल आप मत लेना कि हम इसको सिर्फ एक्स और वाई में ही रिजोल्व कर सकते हैं अभी अभी आपने क्या सीखा आपने ये सीखा कि यदि ये एंगल थीटा है तो एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट होता है और एंगल से दूर वाला कॉम्पोनेंट साइन कॉम्पोनेंट होता है बिल्कुल ठीक है कॉस कॉम्पोनेंट और साइन कॉम्पोनेंट बिल्कुल अब अगर मान लो अगर मान लो कि हम इस सिचुएशन की बात करें अगर मान लो कि हम इस सिचुएशन की बात करें ये यहां पे हमारे सामने एक बक्सा रखा हुआ है ठीक है एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास एम है, ठीक पे कौन सा फोर्स लग रहा है सर इस पे एम फोर्स लग रहा है नीचे बहुत बढ़िया अब हम एम का इफेक्ट निकालना चाह रहे हैं दो डायरेक्शन में कौन सी दो डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या ये एक्स और वाई एक्सेस है बिल्कुल भी नहीं क्या ये एक्स और वाई एक्सेस है बिल्कुल भी नहीं लेकिन फिर भी ये जो फोर्स है इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स की चर्चा कर रहे हैं ये एंगल अगर थीटा है ये एंगल अगर थीटा है सुनो तो ये थीटा ये 90 ये 90 थीटा और ये वापस कितना थीटा ये एफ तो ये एफ का cos थीटा और ये एफ तो ये F का साइन थीटा एंगल के साथ वाला कॉस एंगल से दूर वाला साइन मतलब हमने क्या किया हम कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन वो ये हो सकती है वो ये हो सकती है आप किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हो किसी भी फोर्स को ठीक है तो ये सिचुएशन हमारे सामने आती है कि आपके सामने एक ब्लॉक रख दिया एक इनक्लाइन सरफेस रख दी आपके सामने एक ब्लॉक रख दिया ये रख दिया हमने ब्लॉक बहुत बढ़िया अब इस ब्लॉक पे कितना ये एंगल आपने बना दिया थीटा बहुत बढ़िया तो बताइए जरा एम जी के कौन कौन से कॉम्पोनेंट आप लिख देंगे एम जी का एक कॉम्पोनेंट हम लिख देंगे ये वाला और दूसरा कंपोनेंट हम लिख देंगे ये वाला ये एंगल थीटा ये 90 ये 90 माइनस थीटा ये थीटा बहुत सही तो ये आपने लिख दिया एम जी का कॉस थीटा ये आपने लिख दिया एम जी का साइन थीटा क्लियर है क्या भैया रिजोल्व करना ठीक है क्या कहा हमने हमने ये कहा कि एक वेक्टर जो है उसको आप ऐसे लिखते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हाँ जी सर लिखते हैं ए एक्स कितना है ए एक्स कितना है ये है ए थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप यस और नो डेफिनेटली यस बहुत बढ़िया रिजल्टेंट कितना आ जाएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए ही आएगा चलिए बहुत बढ़िया करके बताइए जरा करके बताइए रिजोल्व तेज रफ्तार में क्विकली डू दिस क्विकली डू दिस क्या बन जाएगा ये आपके सामने एक बक्सा दिया हुआ है ठीक है ये दिया हुआ बक्सा ये रहा एक फोर्स एफ ठीक है अब क्या करना है आपको इस फोर्स के कंपोनेंट बनाने हैं इस फोर्स के कंपोनेंट बनाने हैं इस फोर्स को रिजॉल्व करना है आपको इस फोर्स को रिजॉल्व करना है आपको दो डायरेक्शंस में एक यहां और दूसरा यहां ठीक है एंगल कितना दे के रखा है एंगल देके रखा है 45 डिग्री अगर ये एफ है तो एक्स के अलॉन्ग कितना आ जाएगा? एफ का कॉस फोर्टी फाइव और वाई के अलोंग कितना आ जाएगा एफ का साइन फोर्टी फाइव लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स में आप पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग हो और वाई में आप नेगेटिव वाई के अलोंग हो ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव हम सेट करते हैं ये प्लस ये प्लस तो नीचे का माइनस तो रिजल्टेंट आप क्या लिखोगे रिजल्टेंट को आप लिख दोगे जो नेट फोर्स है ना उसको आप लिख दोगे एफ कॉस थीटा आई कैप माइनस एफ थीटा जे कैप ओके एफ थीटा आई कैप माइनस एफ थीटा जे कैप तो ये कितना बन जाएगा हंड्रेड बाई रूट टू 100 बाय रूट टू को आप लिख सकते हो रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू डिवाइड करके फिफ्टी रूट टू तो ये बन जाएगा फिफ्टी रूट टू प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी यहां पे प्रिंटिंग की थोड़ी सी गड़बड़ है फिफ्टी रूट टू आई कैप माइनस जे कैप ठीक है यहां पे थोड़ी सी बेटा प्रिंटिंग की मिस्टेक है ये फिफ्टी रूट टू और डायरेक्शन आई कैप माइनस कैप यहां पे वैल्यू उठा के टिका दो यहां पे वैल्यू उठा के टिका दो हंड्रेड एफ कॉस फोर्टी फाइव कॉमन निकाल लो एक आई कैप माइनस जे कैप ओह क्लियर है चलो बहुत बढ़िया कैप ओके सर ओके 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 ये पढ़ो सर ये पढ़ो क्या कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वैक्टर ए वैक्टर इज थ्री एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर s5 मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट अगर ये a वेक्टर है तो इसका x कंपोनेंट 3 देके रखा है ठीक है ध्यान से सुनना डेटा लिख दो बस सवाल बहुत बहुत हलवा है हल्का सवाल है एकदम लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉज करके कर लो एक बार और उसके बाद अपने आंसर्स बताओ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड देके रखा है पांच, और इसके x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड देके रखा है तीन। आपसे पूछा है वाई कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है y component का magnitude. एक तरीका मैं मैं इसको उठा के यहां ले मैं इसको उठा उठा के के ले ले कर लूं। अगर ये तीन है, ये है, है, तो ये चार बन जाएगा। तीन तो ये चार बन गया तो वाई कॉम्पोनेंट आप डायरेक्टली चार मार्क कर सकते हो सर आप तो वो साइन थीटा कॉस थीटा से बताओ कोई दिक्कत नहीं एक्स को आप लिखते हो ए कॉस ऑफ थीटा ए एक्स दे के रखा है तीन ए दे के रखा है पांच इंटू कॉस ऑफ थीटा कॉस थीटा आ गया तीन बटा पांच तो साइन थीटा कितना आ आ जाएगा जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, चार बटा पांच क्यों सर क्यों सर अबे ये बना लो ना ये बना लो ये तीन ये चार ये पांच ठीक कॉस थीटा कितना लिखा है तीन बटा पांच ये रहा थीटा तो साइन थीटा कितना बन जाएगा चार बटा पांच ट्रिपलेट बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में तो यहां से की वैल्यू आ गई ए, कितना आ जाएगा? ए, आ जाएगा? ए, थीटा। ए की वैल्यू आपके सामने थीटा की चार बाई पांच तो यहां से भी सेम जवाब आ रहा है चार ठीक चलिए अगला सवाल आपके सामने है ये अगला सवाल आपके सामने है ये रीड कीजिए जरा सवाल को क्या कह रहा है अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट सिक्सटी डिग्री टू द दिजोनटल एक फोर्स हॉरिजॉन्टल से साठ डिग्री पे है एक फोर्स हॉरिजॉन्टल से साठ डिग्री पे है ठीक है इफ इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन दॉरिजोंटल डायरेक्शन इज देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अरे अरे वही सवाल फिर से पूछ लिया घुमा के ये एफ एक्स कितना आ गया एफ एक्स आपको दे के रखा है कितना ये दे के रखा है पचास ये दे के रखा है सौ ठीक है तो आप क्या कर दोगे आप बोलोगे कि एफ एक्स क्या होता है एफ होता है एफ का कॉस थीटा और इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू पचास है एफ की वैल्यू कितनी है सौ है तो एंगल कितना आ गया एंगल आ गया आपके सामने कॉस थीटा वन बाई टू और कॉस थीटा वन बाई टू होता है सिक्सटी डिग्री पे साठ तो डिग्री का एंगल आ गया वर्टिकल कंपोनेंट कितना बन जाएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट बन जाएगा एफ जो के होता है एफ का साइन ऑफ थीटा ओ हो हो सौ

कि आप कितने भी कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो है। परपेंडिकुलर होनी चाहिए आप इसका कंपोनेंट आप इस वेक्टर का कंपोनेंट यहां भी ले सकते हो आप इस वेक्टर का कंपोनेंट आप इस वेक्टर का कंपोनेंट यहां भी ले सकते हो यहां, यहां भी ले कहीं भी ले सकते हो जहां आपकी मर्जी हो इनफाइनाइट डायरेक्शन में ले सकते हो ठीक है चलिए तो पहला पॉइंट आपके सामने लिख दिया जैसे एक एग्जाम्पल दे के रखा है कई डायरेक्शन में आप इसको बता सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन एक प्लेन में बात करोगे तो दो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट्स एक प्लेन में बात करोगे तो दो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट्स और अगर थ्री डी में बात करोगे तो तीन मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट इतनी सी बात है अगर आप प्लेन में बात करोगे प्लेन में टू फिगर में तो दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट थ्री में बात करोगे तो तीन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट ठीक है क्लियर वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ 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 द द द ओरिएंटेशन एक्सिस बट कंपोनेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन वेक्टर खुद किसी ओरिएंटेशन ओरिए डिपेंड नहीं करता है लेकिन आप उसका कंपोनेंट कहा ले रहे हो एक्स है या वाई है ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है आपको पहले वो एक्सिस

चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे बातें बढ़ाते हैं आगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ अ वैक्टर स्केलर अब अगर ये एक ए वैक्टर है ध्यान से सुनना इसमें मैंने इसमें मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक स्केलर जिसको मैंने के लिख दिया या लैमडा लिख दिया कुछ भी लिख दो ठीक है एक तो अब जो नया वेक्टर बनेगा ना अब जो नया वेक्टर बनेगा अब जो नया वेक्टर बनेगा ए डैश ये कितना बन जाएगा ये लैमडा टाइम्स ऑफ ए बन जाएगा डायरेक्शन हुआ सेम डायरेक्शन हु बहु सेम लेकिन मैग्नीट्यूड लैमडा दी ओरिजिनल टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। बड़ी ही सीधी सी बात है यार एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आओ जरा एग्जाम्पल से समझा देता हूं एक वैक्टर मैंने ले लिया ए वैक्टर थ्री आई माइनस टू जे प्लस के ओके इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया टेन यूनिट्स का एक कांस्टेंट तो जो नया वेक्टर बनाया वो कितना बन गया जो नया वेक्टर बनाया वो कितना बन गया ए डैश वैक्टर वो डायरेक्टली बन गया थर्टी आई कैप माइनस ट्वेंटी जे कैप प्लस टेन के कैप ओके ओके बहुत बढ़िया बहुत शानदार अब अगर ऊपर वाले का मैग्निट्यूड निकालो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालो मॉडे तो वो कितना बनेगा वो बनेगा रूट ओवर थ्री नाइन प्लस फोर प्लस रूटीन रूट और इसका निकालो तो ये कितना बन जाएगा? इसका बन जाएगा, रूट ओवर थर्टी का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा वापस से वही थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फोर थ्री स्क्वायर नाइन प्लस फोर

और ये दूसरा वेक्टर है मुझे सफेद लाइन का प्रोजेक्शन नीचे वाली लाइन पे निकालना है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे बी वेक्टर पे निकालना है मतलब ए वेक्टर का कितना इफेक्ट बी वेक्टर पे है ये निकालने के लिए मान लो कि ए जो है ना वो एक रॉड है एक डंडी है ए क्या है ए एक रॉड है ए क्या है ए एक रॉड है रॉड डंडी है डंडी आपने ऊपर से लाइट गिराई अगर आप ऊपर से लाइट गिराओगे अगर आप ऊपर से लाइट गिराओगे तो ये क्या बनेगी इतनी शेडो बनेगी ये जो ए है ना इसकी इतनी शेडो बनेगी इतनी ये बन रही है इतनी ये जो छाया बन रही है ना यही कहलाता है प्रोजेक्शन ये जो बनता है यही कहलाता है प्रोजेक्शन दिस इज द प्रोजेक्शन शेडो कितनी बन रही है शेडो बन रही है ए का कोई कॉम्पोनेट वो कॉम्पोनेट कितना होगा ये एंगल थीटा है तो शेडो बन रही है इतनी ये कितनी है ये जो शेडो है शेडो ये कितनी है ये ए थीटा ठीक है तो प्रोजेक्शन को आप क्या लिख दोगे क्लियरली लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ ऑन बी इसको आप क्या लिख दोगे इसको आप लिख दोगे कितना है ये मैग्नीट्यूड वाइज ये ए कॉस्टा है प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नीट्यूड a ए थीटा है प्रोजेक्शन की डायरेक्शन क्या है किसके है बी के है? तो इसको आप क्या लिखोगे इसको आप बी कैप लिखोगे सो थीटा अलोंग बी कैप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा ए थीटा अलोंग बी कैप ठीक है तो इस ही को आप लिख सकते हो ए बी कैप टा ए बी कैप थीटा, यानी ए कैप ये क्या है ये प्रोजेक्शन है किसका ए किस पे? पे अगर मैं b का A पे निकालू तो वो बी डॉट ए कैप बन जाएगा लिख लेना ये बात साफ साफ पूरा लिखना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बी डॉट ए कैप ठीक है चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे चर्चा बढ़ाते हैं आगे प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स करेंगे एक मिनट में पानी लेके आ रहा हूँ ठीक है पॉज कर रहा हूँ चलिए बहुत बढ़िया हाँ जी चलिए <coughs> आइए करते हैं शुरुआत वेक्टर प्रोडक्ट की हमने बात की अभी तक प्रोजेक्शन की वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अब ये प्रोडक्ट की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना ये भी दो प्रकार के होते हैं एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस ही को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं इस ही को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्यों क्योंकि इसका जो result, result इसका जो जो रिजल्ट रिजल्ट होता है नतीजा निकलता है वो स्केलर होता है स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो तो ये फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी एंगल बिटवीन द टू वैक्टर बिटवीन कि डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा कितना डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा ए डॉट बी और ये होगा एक स्केलर क्वान्टिटी जो रिजल्ट निकलेगा वो स्केलर निकलेगा करके देखते हैं एग्जाम्पल बताइए एग्जाम्पल इसका होता है वर्कडन फिजिक्स में एक क्वांटिटी होती है वर्कडन वर्क क्या होता है वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जो निकलता है एक स्केलर आया ना बिल्कुल सर कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट अभी अभी आपने बताया कि आपको ए डॉट बी करना है तो मॉडे मॉडबी कॉस्थीडा करना है ए डॉट बी का ऑपरेशन हम करते कैसे सीखते हैं हमने लिखा कि ए वैक्टर चलिए आपको ए वैक्टर की कुछ वैल्यू दे देता हूं हो सकता है ए फोर्स है फोर्स की वैल्यू दे देता हूं एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कुछ कुछ है थ्री आई कुछ भी बोल दो माइनस जे जेड की वैल्यू बोल दो प्लस थ्री के ठीक है बी वेक्टर में कह देता हूं कितना कह दू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप बहुत बढ़िया हम क्या करना चाह रहे हैं हम ए डॉट बी करना चाह रहे हैं मतलब इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जैसे बचपन में हम करते थे मल्टीप्लीकेशन वैसे ही करेंगे कुछ भी नया नहीं है सिर्फ एक चीज में चेंज आ जा जाएगा सिर्फ एक छोटा सा चेंज चेंज आ आ जा जाएगा जाएगा क्या जा 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 जा? बताता हूं ए डॉट बी कीजिए तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी करोगे आप माइनस जे को इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे आप थ्री के कैप को इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे करोगे बिल्कुल तो जब आप कभी भी जब कभी भी आप जब कभी भी आप ये ऑपरेशन करते हो आई डॉट आई या तो जे डॉट जे या तो के डॉट के यही लिख देता हूं जब कभी भी आप आई डॉट आई या तो जे डॉट जे या तो के डॉट के करते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो आई कैप क्या है आई कैप एक यूनिट वेक्टर है एक्स के लॉन्ग तो आप दो यूनिट वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना जीरो की वैल्यू वन तो इस ऑपरेशन की वैल्यू आती है डॉट के की वैल्यू आती है वन ओके okay, सर बहुत बढ़िया अब यदि हम लोग i डॉट j करें या तो j डॉट करें या तो जे डॉट करें या तो के डॉट आई करें मतलब कोई भी ऐसे दो जो सेम नहीं है ऐसा करें तो कितना इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड के बीच का एंगल कितना एक्स वाई वाई जेड एक्स के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू कितनी कॉस 90 की वैल्यू कितनी जीरो तो ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो आपको याद रखना है ठीक है गुरु ठीक है इतनी थी बात हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है मजा आ गया ठीक ओके ए डॉट बी आप क्या कर दोगे ए डॉट बी को आप क्या कर दोगे इनको मल्टीप्लाई करो थ्री वन से थ्री माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स आई डॉट आई वन बन गया आई डॉट जे जीरो बन गए तो ये टर्म्स मैंने ली ही नहीं सिर्फ आई आई वालों को मल्टीप्लाई किया आई डॉट आई यानी आई स्क्वायर की वैल्यू वन कर दी जे डॉट जे जे स्क्वायर की वैल्यू वन के डॉट के की वैल्यू वन बहुत बढ़िया तो ये वैल्यू कितनी आ गई टेन प्लस सेवन थ्री मतलब माइनस का सेवन माइनस का सेवन यूनिट का सेवन अगर ये एक सिंपल सा सवाल हम देखें तो इसका आंसर आपके सामने आ चुका है है ठीक इस प्रकार से हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इस प्रकार से हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आप इसके बीच का एंगल भी निकाल सकते हो मॉडे निकाल लो निकाल सकते हो मॉड भी निकाल लो वैल्यू उठा के रखो आंसर निकालो ठीक है गुरु ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आइए बातें बढ़ाते हैं आगे अब आप चर्चा कर रहे हो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है ये थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि यहां पे जो रिजल्ट निकलेगा वो वेक्टर होगा तो जब आप ए क्रॉस बी की बात करोगे तो आपको उसके मैग्नीट्यूड की भी चर्चा करनी पड़ेगी और उसके डायरेक्शन की भी चर्चा करनी पड़ेगी इसको आप लिखेंगे मॉड ए इंटू मॉड बी

ओके okay, सर ये क्या है एक प्लेन है अब इस प्लेन में आपके पास दो वेक्टर्स हैं इस प्लेन में आपके पास दो वेक्टर्स हैं एक ये रहा ए वेक्टर एक ये रहा बी वेक्टर ये रहा ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर बहुत बढ़िया आप कर रहे हो ए क्रॉस बी आप कर रहे हो ए क्रॉस बी एक ही डायरेक्शन में फिंगर्स खोलो ओहो ब्लैक हो गया है, हो जाता है. ठीक है? हाँ, तो हमने क्या कहा हमने ये कहा कि आप ए के डायरेक्शन में फिंगर खोलो और बी के डायरेक्शन में बंद करो मान लो ये प्लेन है ये हाथ मेरा ए है ये हाथ मेरा बी है ए के डायरेक्शन में फिंगर खोलो बी के डायरेक्शन में बंद करो थम देगा डायरेक्शन किसकी थम देगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी की थम्ब देगा डायरेक्शन किसकी थम्ब देगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी की थम्ब देगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी की ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा और उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर एक बिल्कुल सर बी क्रॉस ए करना है बी क्रॉस ए करना है ये ए है ये बी है बी की डायरेक्शन में राइट हैंड का थम राइट हैंड के फिंगर्स खोलो और ए की डायरेक्शन में बंद करो बी की डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन में फिंगर खोलो ए की डायरेक्शन में बंद करो फिंगर खोलो ए की डायरेक्शन में बंद करो तो ये नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या बन गया ये बन गया B क्रॉस A, ये बन गया B क्रॉस A। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें सबसे पहले तो यदि हम डायरेक्शन की चर्चा करें तो डायरेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हो कैसे निकालोगे डायरेक्शन राइट हैंड रूल राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन की अगर हम चर्चा करें तो कैसे निकालोगे आप डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और वो कैसे निकालते हैं ए की डायरेक्शन में फिंगर खोलो बी की डायरेक्शन में बंद करो थंब देगा डायरेक्शन किसकी थंब देगा डायरेक्शन किसकी थंब देगा डायरेक्शन आपको ए क्रॉस बी की ठीक है बहुत बढ़िया अब जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर है ठीक है है ये A है। और बी वैक्टर मैंने ले लिया प्लेन के अंदर बी वैक्टर इन साइड द प्लेन है तो उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया कन्वेंशन है इन साइड मतलब क्रॉस याद रखने का तरीका बताता हूं ट्रेन को देखा है, जाते हुए पीछे क्रॉस लगा रहता है तो ट्रेन जब जाती है तो आपको क्रॉस दिखता है ट्रेन जब आती है आपको लाइट दिखती है उसकी तो वो लाइट यानी गोला तो आउटसाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से आउटसाइड द प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से ठीक है तो दो केसेस मैंने आपको दिए दो केसेस मैंने आपको दिए यहां पे आपको डायरेक्शन बतानी है इस केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ ए की डायरेक्शन में फिंगर खोलो बी की डायरेक्शन में बंद करो थंब देगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी की A की डायरेक्शन में फिंगर खोलो बी की डायरेक्शन में बंद करो थंब देगा डायरेक्शन किसकी? ए की डायरेक्शन में फिंगर खोलो बी की डायरेक्शन बी का है बी बाहर है ए की डायरेक्शन में फिंगर खोलो बी की डायरेक्शन में बंद करो thumb देगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी की थंब देगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी की बोलो यार हा या ना जी सर मजा आ गया आनंद आ गया जीवन का बहुत बढ़िया बहुत शानदार। आपके सामने लिखा हुआ है तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ट्यूड कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं डेटरमीनेट रूल से डेटरमी डेटर मेथड Me से जो मैं अभी बताऊंगा कि क्या होता है जल्दी से इतना लिखो तेज रफ्तार में इतना लिखो चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे तो चर्चा करते हैं अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे चर्चा करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पे जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से ही समझाता हूं आपको पूरी बात ए वेक्टर फिर से कोई रफ वैल्यू बोलो कोई भी रैंडम वैल्यूज बोलो थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप और बी वेक्टर हमने ले लिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ले लें लोर कैप ले लेते हैं ठीक है कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो अगर आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहली स्टेप आप बनाइए डिटरमिनेट का डब्बा और क्या होता है ये ये मैथमेटिक्स की एक मेथड है एक थ्योरम है डिटर्मिनेंट थ्योरम अब इसमें हम क्या करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर्स लिख देते हैं सबसे पहले तो ऊपर आई कैप जे को हमेशा माइनस लेके चलते हैं और ये के कैप माइनस जे और के ये कन्वेंशन है अब आप आई जे और के, के कोफिशियंट्स उठा के रख दीजिए क्या कहा मैंने आप आई जे और के के कोफिशियंट्स उठा के जितने भी हैं वो रख दीजिए सबसे पहले कितने कोफिशियंट क्या कोफिशियंट है आई का है थ्री जे का है वन एक्स का थ्री जे का यानी वाई का वन और ये माइनस टू सिमिलरली नीचे के कोफिशियंट रख दो वन माइनस वन और फोर ठीक है ये आपने रख दिए सारे कोफिशियंट ओके okay. आपको क्या करना है आपको निकालना है ए क्रॉस बी तरीका सुनना गुरु तरीका सुनना ध्यान से ध्यान से सुनना तरीका आई कैप लिखो डब्बा बना दो माइनस जे कैप लिखो डब्बा बना दो प्लस के कैप लिखो प्लस के कैप लिखो प्लस के कैप लिखो और क्या कर दो डब्बा बना दो ठीक दूसरी स्टेप पहली स्टेप में आपने क्या किया पहली स्टेप में आपने डिटर्मिनेंट बनाया दूसरी स्टेप में आपने क्या किया दूसरी स्टेप में आपने डब्बा बना के के लिए जगह छोड़ दी बहुत बढ़िया अब क्या करना है ध्यान से सुनना के 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 लिए आई के लिए आई के लिए जब आई की चर्चा करो तो एक एक लाइन लाइन बनाओ बनाओ ऐसी बनाओ ऐसी और दूसरी लाइन बना दो ऐसी क्या बच रहा है उसको देखो ये बच रहा है इसमें आपको क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई रिपीट क्रॉस प्रोडक्ट करना है वन फोर फोर माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन होता है टू बहुत बढ़िया माइनस जे माइनस जे तो अब ये जो लाइन है ना ये ऐसी बना दो इसको हटा रहा हूं मैं इसको हटा दिया मैंने ये लाइन बना दो बहुत बढ़िया क्या बन जाएगा ये अब इनको देखो ये भी हटा रहा हूं ये भी हटा दिया मैंने ठीक है तो ये हटा दिया ठीक सुनो अब किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये बीच वालों को छोड़ दो बीच वालों को छोड़ दो इनको छोड़ दो ये जो है ना इनको छोड़ दो और इनके अलावा जो बच्चे हैं इनको देखो इनको देखो क्या करोगे ट्वेल्व माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू ठीक है अब के के लिए एक लाइन ऐसी खींच दो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन बहुत बढ़िया तो ये कितना बन गया ये बन गया टू आई कैप ये बन गया कितना फोरटीन माइनस फोर्टीन जे कैप माइनस फोर के कैप तो ये सरल सा तरीका था ये सरल सा तरीका था किसका मैग्नीट्यूड निकालने का अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है फाइनल वैल्यू कितनी आएगी ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर और इसके अगर आप मैग्नीट्यूड की चर्चा करो ए क्रॉस बी वेक्टर की तो वो आप कैसे निकालोगे वो आप ऐसे निकाल दोगे रूट ओवर टू का स्क्वेयर प्लस फोर्टीन का स्क्वेयर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर जो कि फोर बनेगा ठीक है फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता है चौदह का स्क्वायर कितना मुझे याद नहीं है, पहाड़े, 144, 196 ही होता है मैंने लिख दिया 196, ठीक। चलो बहुत बढ़िया बहुत ओके भाई। बढ़ाते हैं आगे। बढ़ाते हैं आगे। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की अगर हम चर्चा करें ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की अगर हम बात करें जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ठीक है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ए क्रॉस बी की चर्चा अगर आप करोगे तो वो कहां आएगी ए क्रॉस बी की अगर आप बात करोगे तो वो कहां आ जाएगा ए क्रॉस बी आएगा इधर ए वेक्टर की बात करोगे तो वो किधर आएगा वो आएगा इधर बी क्रॉस ए की बात करोगे तो वो किधर आएगा वो आएगा इधर बी क्रॉस ए की बात करोगे तो वो आएगा इधर चाहे आप ए क्रॉस बी की बात करो चाहे बी क्रॉस ए की बात करो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा दोनों ही वेक्टर्स की तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अब पता नहीं परपेंडिकुलर को क्या लेगा ये एलन ले लिया ऑलवेज लिख देता हूं परलवेज परपेंडिक्यूलर टू बोथ द वैक्टर्स टू बोथ द वैक्टर्स ऑलवेज परपेंडी अरे रे कोई बात नहीं उसको सुधार देते हैं ऑलवेज परपेंडी क्यूलर ऑलवेज परपेंडी ऑलवेज परपेंडिकुलर किसके टू बोथ ए एंड बी टू बोथ टू बोथ ए एंड बी ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार वेरी 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 नाइस अब यहीं पे मैं एक लॉजिक और बता रहा हूं आपको यहीं पे एक लॉजिक मैं आपको और बता रहा हूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ठीक है किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग गुरु वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे हैं क्या होता है ये अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करो ध्यान से सुनना ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करो ठीक है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ए डॉट बी ए डॉट बी क्रॉस सी अगर ये तीनों को प्लानर है ए बी और सी ए बी और सी तीन वेक्टर हैं जो कि को प्लानर है ए बी और सी तीन वेक्टर हैं जो, है, है, जो सेम प्लेन में अब आप क्या कर रहे हो बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ले रहे हो तो क्या बी क्रॉस सी जो होगा क्या बी क्रॉस सी जो होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा क्या बी क्रॉस सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए के क्या बी क्रॉस सी जो होगा क्या बी क्रॉस सी जो होगा क्या बी क्रॉस सी क्या बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होगा ए के बी और सी सेम प्लेन में है तो बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होना चाहिए ना गुरु बी और सी सेम प्लेन में है तो बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों बी और सी के यानी प्लेन के तो ए के भी तो परपेंडिकुलर है तो जब कभी भी आप तीन को प्लानर वैक्टर्स के लिए किन्हीं भी तीन का प्रोडक्ट लो ए डॉट बी क्रॉस सी करो ठीक है ए डॉट बी क्रॉस सी करो या तो आप लोग ये कर लो क्या कर लो बता रहा हूं ए क्रॉस बी डॉट सी ये भी कितना होगा ये भी जीरो होगा ठीक है ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा डंडन डंडन, चलिए बहुत बढ़िया आइए बातें बढ़ाते हैं आगे कुछ सवाल कर रहे हैं तेज रफ्तार में पढ़ो जरा सवाल को एक सवाल आपके सामने आ रहा है वेक्टर ए और बी देके रखे हैं और दोनों परपेंडिकुलर दिए हैं दे वैल्यू ऑफ टी एट विच परपेंडिकुलर वो वैल्यू समय की जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या करना है यार कुछ भी नहीं करना दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल 90 और अगर उनके बीच का एंगल 90 तो ए डॉट बी की वैल्यू जीरो ए की वैल्यू रख दो कॉस ओमेगा प्लस साइन ओमेगा जे कैप डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका किसके साथ कॉस ओमेगा टी बाई टू कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे क्या बहुत बढ़िया ठीक है क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन करो मल्टीप्लीकेशन करो इसका इधर और इसका उधर तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू ओके बहुत बढ़िया बहुत शानदार ठीक है प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी टू साइन बोलना पड़ेगा चुपनी बैठना है ओमेगा टी बाई टू और ये वैल्यू आपको जीरो देके रखी है ये वैल्यू आपको जीरो देके रखी है ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है यार कुछ तो भी देखा था हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा ये होता है कॉस कॉस बी प्लस साइन ए साइन यानी कॉस ऑफ ए माइनस बी ओ हो 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 और ये तो देके रखा है जीरो तो आप क्या कह दोगे ये अंदर की क्वांटिटी कितनी है ये अंदर की क्वांटिटी कितनी है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू ओमेगा टी बाई टू इसकी वैल्यू जीरो ठीक है ओमेगा कहा लिख दूमेगा टी बाई टू Cos omega t 2, मतलब एंगल कितना नब्बे डिग्री तो ये जो एंगल है अंदर का ये ये कितना आ गया? ये 2 आ गया 90 तो तु तु गया पाई डिग्री ठीक है तो टू से टू कट गया टी की वैल्यू आ गई पाई बाई की वैल्यू आ गई पाई बाई ओमेगा डॉट प्रोडक्ट जीरो जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी जीरो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी थीटा की वैल्यू पाई बटा दो कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी किसी को भी इसमें नहीं है चलिए बहुत बढ़िया नहीं है ना वेरी नाइस ओके चलो बातें बढ़ाते हैं आगे अगला सवाल आपके सामने है ये पढ़िए जरा सवाल को क्या कह रहा है रीड कीजिए सवाल को इफ अ वेक्टर वेक्टर देके रखा है आपको वेक्टर देके रखा है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ये दूसरा वेक्टर देके रखा है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर देके रखे हुए हैं तो फिर वही बात कि एंगल 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री तो क्या करोगे आप लोग ए डॉट बी की वैल्यू कितनी जीरो ओके okay. कर देते हैं तेज रफ्तार में टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस एट के कैप बहुत बढ़िया डॉट फोर जे फोर जे माइनस आई फोर जे माइनस आई लिखा है इफ दिस इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक है लेट्स टेक इट एज आई एंड जे अगर नहीं मैच होगा तो जो दिया है वही करेंगे ओके फोर आई माइनस फोर जे प्लस एल्फा के बहुत बढ़िया इसकी वैल्यू जीरो तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करो टू फोर एट थ्री इन माइनस फोर कितना बन जाएगा आठ एल्फा इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यू कितनी आ गई इसको उधर भेज दो माइनस फोर उधर जाके बन गया प्लस फोर तो एल्फा की वैल्यू फोर बाई एट यानी वन बाई टू वन बाई टू ओके ठीक चलिए बहुत बढ़िया बहुत बहुत, बहुत 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 बढ़िया अगला सवाल आपके सामने है ये अब इसमें डॉट और क्रॉस दोनों का यूज हो रहा है ये बोल रहा है कि क्रॉस बी A. A को आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा दिस इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ दिस इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए बी

टू ए बी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है की वैल्यू होती है ठीक है है की वैल्यू होती तो डायरेक्टली कितना आ ए प्लस बी आ गया ठीक है ठीक 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 है ओके आंसर आ गया ये रहती बात डन डनाडन डन चलिए तो चर्चा बढ़ाते हैं आगे चर्चा बढ़ाते हैं आगे अब सवाल तो इस पर हम इनफाइनाइट कर सकते हैं लेकिन जो बेहतरीन वाले सवाल हैं, वो मैं करवा रहा हूं और कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए दूंगा बिटवीन द वेक्टर ए एंड थीटा द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए और बी अच्छी बात है अच्छी बात है ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है आप करो ए क्रॉस बी आप करो ए क्रॉस बी कहां आएगा वो वो आएगा ऊपर आप कर दो ए क्रॉस बी वो कहां आएगा वो आएगा ऊपर बहुत बढ़िया बहुत शानदार ए क्रॉस बी आपने किया वो कहां आ रहा है वो ऊपर आ रहा है ठीक है ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो ए के साथ तो एंगल कितना है एंगल 90 डिग्री है तो ए डॉट ए क्रॉस बी कर लो या बी क्रॉस ए कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुनो ए क्रॉस बी करो बी क्रॉस ए करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि बी क्रॉस ए कहा होगा बी क्रॉस ए नीचे होगा और वो भी परपेंडिकुलर होगा ए से तो आंसर कितना आने वाला है आंसर जीरो आने वाला है आंसर जीरो आने वाला है ठीक है क्लियर है इतनी बात चलो बहुत बढ़िया एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं वेक्टर के प्रोडक्ट में ही बता देता हूं दो बात आप याद रखना यदि आपसे कहा जाए एरिया ऑफ पैरलोग्राम एरिया ऑफ पैरलेलोग्राम शॉर्ट फॉर्म लिखा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक पैरलेलोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी का मैग्निट्यूड ठीक है और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी ये बात एज इट इज आपको याद रखनी है ठीक मैथ का पार्ट है वैसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन कभी पूछ ले तो आप बता सकते हो चलिए अब ये कुछ सवाल है और रखा है क्या करोगे A cross B निकालो A cross B निकालो उसका मैग्नीट्यूड निकालो ठीक वही होगा वही होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आपको करना है कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जिनके क्या आंसर्स आपको कमेंट में देना है पॉजिटिवलीके गिनती के तीन या चार सवाल हैं एक दो तीन चार पांच पांच हैं ठीक है ये वाला हो चुका है इसको मैं इरेज कर रहा हूं बहुत बढ़िया तो ये जो सवाल आपको दिए हैं ये करने हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर बेसिक मैथ्स और आज करवा दिया वेक्टर ठीक है ये लेक्चर कम से कम आपको दो बार देखना है क्योंकि कुछ चीजें मैंने स्पीड में पढ़ाई हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि समझ आ गई लेकिन आपको फिर से एक आध दिन बाद लेक्चर को देखना है नोट्स रिवाइज करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए ओके डॉटा बाय टेक केयर थैंक यू